चलते हैं दुआ में याद रखना, चलो जी चला दो हमारे को। एक मिनट यार, मेरे पास कमेंट शो नहीं हो रहे, तो उसके लिए एक मिनट दीजिएगा कृपया करके हमारे को। तो यहाँ पर हो गया है, कमेंट शो हो गए हैं मेरे पास में। मैं एक मिनट के लिए इसकी क्वालिटी को पहले कम कर देता हूँ। चलो जी, ये भी हो गया हमारा काम। ये रखिए बेटा। तो यार पहले एक बात, पहले एक मिनट रियाना जी। हाय, हेलो रियाना जी, कैसे हैं आप? जावेद मंसूर जी, हेलो जी, नमस्ते नमस्ते जावेद भाई। रमनदीप सिंह जी, हेलो हेलो रमन भाई। सुमित अग्रवाल जी, आई वांट टू बाय टू सेट होम थिएटर 5.1, बजट 50K to 60K each। सुमित जी, थोड़ा सा बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तकरीबन तकरीबन 70 to 75 के आसपास जाना पड़ेगा एक अच्छे सेटअप के लिए आपको 5.1 चैनल के अंदर। जावेद जी तो कैसे हैं आप? कैरी मिनाती वाला डायलॉग है ये, वैसे है ना? तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए आप कैसे हैं। और हरियाणा कुमार जी, 2 नवंबर आई एम कमिंग टू दिल्ली। वेरी गुड रियाना जी, मिले बिना मत जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे वैसे कई बार डील भी हो चुकी है, बात भी हो चुकी है, होती रहती है, बट मिले कभी नहीं है। तो आप दिल्ली अगर आ ही रहे हैं तो प्लीज़ होकर जाइएगा, यहाँ पर मुझे कॉल कीजिएगा। गूगल पर एड्रेस आप सर्च कर सकते हो, आर एस ऑडियो इंडिया के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको लाइव लोकेशन भी मिल जाएगी वहाँ से। एंड हरविंदर जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हरविंदर जी, Tattoo 16, हाई ब्रो, हेलो ब्रा, क्या हाल है भाई आपके? और हरियाणा कुमार जी, वेदर इज वेदर कह रहे हैं। बिल्कुल 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 सर, मैं तो आपसे कह रहा हूँ हरियाणा जी, मिलने बिना मत जाइएगा, नहीं तो मैं कट्टी हो जाऊंगा आपसे। सुमित अग्रवाल जी, आपसे कहाँ मिल सकते हैं? आई एम फ्रॉम नोएडा। सर नोएडा में आप रहते हैं तो विष्णु गार्डन आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर है, पैसिफिक मॉल फेमस है काफ़ी, तो उसी के बैक साइड पे विष्णु गार्डन पड़ता है, वहीं पर मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पर मिल सकते हैं। बट आने से पहले एक बार अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि आप आ जाओ यहाँ पर और मैं यहाँ आपको मिलूँ ना, तो आपका भी जो चक्कर है वो ख़राब जाए। एंड इसके आगे हम चलते हैं चलते हैं। तो के एन गेमिंग जी, गुड इवनिंग, गुड जी, गुड इवनिंग गेमिंग जी, के एन गेमिंग भाई। एंड हाँ, तो मैं ये कह रहा था पहले कि अभी ना मेरे पास में यार माइक नहीं है, तो जो ऑडियो है वो मे भी हो सकता है कि ठीक से आपको ना आ रही हो, बट आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा उसके लिए संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। माइक नहीं है मेरे पास में, एक्चुअली माइक है वो यूएसबी वाला माइक है, तो यहाँ फ़ोन से मैंने लॉगिन किया हुआ है इसको, तो वहाँ पर वो कनेक्ट मैं कर नहीं सकता, वो कनेक्टर भी नहीं है मेरे पास में, तो इस वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा ऑडियो के साथ में। सुमित अग्रवाल जी, ऑडियो परफेक्ट, ओके ओके, थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक आ रही है ऑडियो, इज गुड, ओके। तो फिर तो चलो कोई चक्कर ही नहीं, अगर ठीक आ रही है तो। एक्चुअली वो ठीक इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने फ़ैन काफ़ी धीरे करा हुआ है, तो इस वजह से जो आवाज़ है वो सही आ रही है, वरना आपको फ़ैन की आवाज़ ही आती रहेगी। कमल खन्ना जी, गुड इवनिंग। अमित जी, गुड इवनिंग कमल जी, थैंक यू आपका कंफर्मेशन के लिए कि आपका पैकेज आपके पास पहुंच गया है आज, बहुत खुशी हुई मुझे जानकर। जब आप इसे लगा लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, तो अब भी बताइएगा, एक हो सके तो छोटा सा क्लिप बना लीजिएगा एक अपने होम थिएटर सेटअप का, तो वो भी हम अपने चैनल पर डाल के लोगों के साथ में शेयर कर लेंगे कि हाँ सबको पता लगता रहे कि क्या क्या लोगों ने सेटअप किए हुए हैं। इवन इंडिया के अंदर ये चीज़ें काफ़ी कम है, तो मेरा जो उद्देश्य है वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हाई एंड ऑडियो के बारे में भी जानकारी पहुंचती जाए। तो
आप एक क्लिप जरूर बनाकर भेजिएगा, 2 मिनट का 3 मिनट का, हो सके तो उसमें वॉइस ओवर भी कर दीजिएगा कि आपने सेटअप में क्या क्या चीज़ें लगा रखी हैं, कौन से स्पीकर्स हैं, क्या हैं, इस तरीके से आप अगर वॉइस ओवर भी करके भेजोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एंड उसके आगे हम चलते हैं जी, जावेद जी ठीक आ रही है ऑडियो? ओके, थैंक यू जावेद भाई। कपिल कुमार सिंह जी, गुरु जी, हाँ जी सर, कैसे हैं आप कपिल जी? ज़रूर बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच कमल जी। सर आपकी केबल्स पेंडिंग रह रही हैं अभी कमल जी, वो केबल्स भी है जो सी वो एक्चुअली में लेट पार्सल गया है, उसका पार्सल जो सा वो आज गया है, तो वो आपको आई थिंक मंडे या ट्यूसडे में आपके पास में आ जाएगी वो केबल्स भी सारी। जी सुमित अग्रवाल जी, क्या आपने JBL 5.1 साउंड बार का वीडियो बनाया है? मुझे उसका रिव्यू लेना है। नहीं सर, साउंड बार का रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि एक्चुअली में मैं जो रिव्यू सिर्फ उन्हीं चीज़ों का करता हूँ जिन चीज़ों के बारे में मेरे को पूरी श्योरिटी हो जाती है कि वो क्या है, कैसी है, मैं जो भी बताऊँ मतलब कि वो सही जानकारी आपको दे सकूँ। तो साउंड बार के अंदर में हम डील नहीं करते, बहुत लिमिटेड करते हैं, इस वजह से मैंने अभी तक उसका कोई रिव्यू वीडियो नहीं बनाया है, बट बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अगर पॉसिबल हो सके तो। अंकित जी राम राम, अमित भाई आप राम राम, अंकित भाई कैसे हैं आप? शिवा वी जी, डू यू हैव डेनन SVS 2020 यूनिट? नहीं सर, खत्म हो चुका है स्टॉक उसका, बिल्कुल बंद हो चुके हैं वो, अब नहीं मिलेंगे, मतलब कभी गलती से आ जाए तो आ जाए, बट अभी के लिए तो नमस्कार है उनको। कपिल कुमार सिंह जी, गुड जी नोएडा क्यू नोकिया, सॉरी नोकिया की वैलिडिटी बचपन में टीवी होम थिएटर के लिए कैसा रहेगा, उसका कुछ क्वालिटी कैसा है? यार कपिल जी मैंने इसको देखो पर्सनली नहीं देखा इसको अभी, मैंने जो चीज आपने ये बताया मुझे नोकिया वाले का, बट मेरे पास में काफ़ी लोगों के व्यूज़ आते रहते हैं तो वो मुझे बताते रहते हैं कि ये वाली चीज़ हम ले रहे हैं या हमने ली है, तो उसके हिसाब से जो है वो सबने यही कहा है कि हाँ क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है वो, तो मे बी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट अगर आपको उसका डेमो कहीं पे मिल जाता है किसी शोरूम पे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप एक बार फिजिकली खुद भी देख ले अगर कि हाँ कैसा है वो। कमल खन्ना जी थैंक यू, सर थैंक यू की क्या बात है यार आप, और वो वाला वीडियो भी सर बना हुआ है, एडिटिंग में ही थोड़ा सा रुक गया है वो, मैं आज रात को ही शायद देखो लाइव कर दूँ उसको भी, तो उसके लिए भी मैं बड़े वाला धन्यवाद करूँगा आपको। KN Gaming की उर्दी 5.1 होम थिएटर सेटअप चाहिए, सॉरी थिंकिंग टू बाय डेनन 250 BT रिसीवर विथ कॉल ऑडियो TL 1600, कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा और कितने पे करना पड़ेगा प्लीज़ बता दीजिए। तो KN Gaming जी भैया, अगर आपने लेना है 250 BT तो एक छोटी सी स्कीम मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। मैंने एक अभी थोड़े दिन पहले एक क्लाइंट को मैंने 250 BT दिया था, बट उन्होंने वो गलत ले लिया यार, एक्चुअल में उनके वहाँ पे चैनल्स जो हैं वो ज़्यादा लगने थे, वो तो उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और मुझसे भी बाद में पूछा उन्होंने, तो इस चक्कर में वो वाला एवीआर जो से 2 या 3 दिन पहले ही मैंने उन्हें दिया है, तो वो उसको वापस कर अभी नया लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप नया लेना चाहते हैं तो आप ये वाला यूनिट जो मैं बता रहा हूँ आप वो भी ले सकते हैं, उससे आपको एक्चुअल जो भी रेट उसका चल रहा है उससे सस्ता मिल जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने नया ही लेना है, तो उसमें क्या होगा बेनिफिट, आपको पैसे भी बच जाएंगे आपके, एंड जो बिल है उसका वो बिल आपके नाम का ही कटेगा और करंट डेट का ही कटेगा, बट मतलब कि चाहूँ तो मैं उसको ऐसा उनसे लेकर सस्ते में फिर दोबारा से भी बेच सकता हूँ, क्योंकि वो यूज़ हुआ ही नहीं है, एज इट इज़ का एज इट इज़ पड़ा हुआ है, बट फिर भी जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका उनके साथ में कॉन्टैक्ट मैं करवा दूंगा, आप प्राइस की जो भी बात होगी आप उनके साथ में डायरेक्टली कर लीजिएगा कितने का दे रहे हैं वो, तो डील हो जाती है अगर तो मुझे बता दीजिएगा, जो बिलिंग है उसकी वो आपके नाम से कट जाएगी, क्योंकि अभी बिल वो वाला बिल उनका मैंने काटा नहीं हुआ, तो वो बिल अभी कटना है तो वो आपके नाम पे काट दूंगा मैं। सुमित अग्रवाल जी सेम क्वेश्चन ओके, तो ये भैया आपके लिए भी है सुमित कुमार जी दोनों चीज़ें, और बाकी आपने क्या पूछा है TL 1600 का प्राइस जो है वो 42,000 अभी का रेट है आज का, बाकी प्राइस जो है वो अभी बढ़ेगा इसका और ज़्यादा बढ़ेगा, और सभी AVR के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं ऑलरेडी और अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने भी हैं, जैसा पहले एक बार हुआ था कि MRP के ऊपर हमें चीज़ मिल रही थी वही कंडीशन अभी दोबारा आने वाली है, तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो अभी अगर आप ले लो, ज़रूरी नहीं कि मुझसे लेना है आपने, कहीं से भी लेना चाहो आप ले सकते हो, बट ले लो क्योंकि आने वाले टाइम में प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगी अभी, तो अभी का जो रेट है वो 42,000 है वैसे। एंड इसके आगे बढ़ेंगे हम, तो अमित जी
वर्चुअल टूर कराना है चाहता हूँ रूम का, कैसे होगा? वरिंदर जी, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज दीजिएगा, आपको वहाँ पर मेरी कुलीग है स्वीटी जी, उनके साथ में आपकी बात हो जाएगी, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे कि किस तरीके से करना है, और जो टाइमिंग वगैरह रहेगी वो भी आपसे कंसर्न कर लेंगे वो, तो वो फिर कॉल मेरे पास में कनेक्ट कर देंगे आपका, उसके बाद में मैं आपका वर्चुअल विजिट करके आपको जो भी हेल्प कर सकता हूँ वो पूरी पूरी कर दूंगा वहाँ पर। तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपकी उनसे बात हो जाएगी, वो आपको सारा समझा देंगे। कपिल जी, गुरुजी थैंक्स फॉर रिप्लाइंग। सर थैंक्स की कोई बात है कपिल जी, यहाँ पर हम बैठे इसीलिए हैं आप लोगों के लिए, और क्या कर सकता हूँ मैं इसके अलावा। जावेद जी, सर जी 7.1 वर्सेस 7.1.2 कौन सा सेटअप अच्छा एक्सपीरियंस देगा? यार एक्सपीरियंस देखो दोनों का ही अच्छा है जावेद जी, बट ये कि जो हमारा 5.1.2 आ गया यानी एटमॉस में आ गया, तो एटमॉस के अंदर एक डायमेंशन जो है साउंड का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, कि एक जो ओवर द हेड साउंड है वो भी हमें मिलना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस आ जाता है उसमें, कि हाँ भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसकी आवाज़ जो सी है वो ऊपर से आनी शुरू हो जाएगी आपको, तो एक अलग एक्सपीरियंस आ जाता है ऐसा। बाकी अगर आप 7.1 भी लगा रहे हो तो उसके अंदर इसको मैंने ऑफ भी नहीं किया यार, ध्यान ही नहीं आया इसको जी। तो एक बार अभी कॉल यहाँ पर कट गया होगा पहले, हाँ तो मैं आ गया हूँ वापस। यार बाहर ही ना खड़ा हो बंदा, यार एक मिनट का टाइम दोगे प्लीज़ कहीं वो बंदा बाहर ना खड़ा हो जिसका कॉल आ रहा है, तो मैं एक मिनट में जरा देख लूँ, अगर वो बाहर है तो मैं उसको बुला लूँ यार बस। बाहर नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। Where can I check if you have any demo units? शिवाजी अभी के लिए तो कुछ ज्यादा स्टॉक में चीजें नहीं है जो कि डेमो यूनिट के अंदर, बट आप अगर देखना चाहते हैं उसको तो इंस्टाग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा उसका, आप इंस्टाग्राम पर चेक कर लीजिएगा। अमन कुमार जी, भाई सोनी R40R कैसा है? अमन जी अच्छी है, अच्छा मॉडल है, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट में रह रहे हैं सोनी का लेना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से ये सही है, अगर आप इनसे बेटर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से और काफ़ी सारे आप ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। डेनन एवीआर 2700 प्राइस प्लीज। सर प्राइजेस के लिए यार आप यहाँ पर मैं खुलकर नहीं बता सकता आपको, 2700 की जो MRP है वो 1 लाख रुपीज़ हो गई है। बेस्ट प्राइस के लिए आप या तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करें, वहाँ पर आपको मिलेगा। हेलो भाई, हेलो इमरान भाई कैसे हैं? पंकज गुप्ता जी, सर 7900 9.2 लगाया है, वॉइस इज वेरी गुड एटमॉस के लिए, अमेजोन 4K स्पीक भी लगाया है, पर कंटेंट एटमॉस में नहीं मिलता। सर ये आपने यहाँ पर छोटी सी गलती करी है आपने, आप एक बार मुझसे अगर पूछ लेते पंकज जी, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता कि जो अमेज़ॉन की फायर स्टिक है 4K वाली, उसके अंदर आपको एटमॉस नहीं मिलता है अभी के लिए, आगे चल के अगर आ जाएगा तो मैं कह नहीं सकता, बट अभी इनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसमें, तो उसमें आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी। अगर आप 4K के लिए खरीद रहे हैं अपनी वो फायर स्टिक को, तो वहाँ पर आपको दूसरी जो सी नॉर्मल HD वाली है वो लेनी चाहिए थी, आपको 4K नहीं लेनी चाहिए थी। आप इसी के साथ में थोड़ी देर चलाओ, लगाओ इसको, तो थोड़े टाइम में इनका लाइसेंस का कुछ इशू है वो वो लाइसेंस का जो इशू है वो क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद में हेडमॉस आपको इसी पे मिलना भी शुरू हो जाएगा। अब इसी चक्कर में आप लगाओगे तो मैंने दो फायर स्टिक्स रखी हुई हैं, ये एक जो सी है ये मेरी 4K वाली फायर स्टिक मैंने रखी हुई है, अगर मैं
4K कंटेंट मुझे चाहिए होता है तो मैं इस वाली से उसको चलाता हूँ, अगर मुझे चाहिए होता है एटमॉस का कंटेंट तो उसके लिए मैं दूसरी फायर स्टिक जो सी है मेरी, जो सी नॉर्मल आती है, मैं दिखा देता हूँ उसको। तो एक ये जो सी फायर स्टिक हमारी एक और आती है नॉर्मल जो HD वाली है, अगर मुझे एटमॉस कंटेंट प्ले करना होता है तो वो इस पर करता हूँ, 4K के लिए मैं इस वाली को यूज़ करता हूँ। तो आप ये चीज़ अगर एक बार पूछ लेते मुझसे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता, मैं क्लियर कर देता आपको। चलिए अभी आपने ले लिया तो आप उसको रखिए, थोड़े टाइम में वो हो जाएगा आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा इनका जो मैटर है वो, तो उसके बाद में आप इसी का एटमॉस का मज़ा ले लेना। आगे कहाँ चले गए हम, KN गेमिंग, ओके सर थैंक्स, कॉम्बिनेशन ठीक है रहेगा या कोई बेटर ऑप्शन है? नहीं सर ये ठीक है कॉम्बिनेशन इसका, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा चाहते हो तो 250 BT की जगह 550 BT कर दो, वो उसमें आपका और ज़्यादा थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। ये गिव अवे वाला लाइव चल रहा है क्या? नहीं ये सर गिव अवे वाला नहीं है ये इमरान जी, ये तो नॉर्मल अभी लाइव चल रहा है जो सा है, वो गिव अवे वाली जो सी वीडियो है वो भी एक दो दिनों में या दो तीन दिनों में मैं अपलोड करूंगा, उसी प्रोडक्ट की वीडियो आएगी पहले उसकी स्पेसिफिकेशन अनबॉक्सिंग वगैरह की, तो प्रोसेस जो उसका प्रोसेस है उसका गिव अवे का वो उसी के अंदर मैं सारा क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी क्या प्रोसेस रखना है, मतलब कि जो शर्तें होती हैं गिव अवे के लिए, जो कंपनी हमें शर्तें बताती है कि भैया इस कंडीशन में आपने गिव अवे करना है, तो वो अभी मेरे पास आई नहीं है, तो वो मेरे पास आ जाएंगी तो फिर मैं उस वीडियो के अंदर वो चीज़ें आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मंगेश जी हाय अमित भाई, हेलो मंगेश जी, गजराज जी हेलो, गुरु जी नमस्ते, हाउ आर यू? मैं बढ़िया सर जी, आप बताइए आप कैसे हैं? कबीर कुमार जी हेलो गुरु जी, हाय गुरु जी, हेलो सर, मनीष जी बोल पा रही हो, ट्वेंटी क्या प्राइस है? सर 20 का प्राइस मेरे को ऐसा याद नहीं रहता है, आई थिंक कुछ पता नहीं कितना है मेरे को याद नहीं है, तो प्राइजेस के लिए यार आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो, वहाँ से आपको बेस्ट प्राइस जो पॉसिबल हो सकता होगा वो आपको मिल जाएगा करेगा। मेरे दिमाग में नहीं रहता इतना, जो इतने सारे मॉडल्स हैं इतने सारा है, उसको कैलकुलेट करना मेरे बस का तो है ही नहीं है, तो एकदम से ऐसे प्राइस बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप एक बार वहाँ करना 21,000 समथिंग 22,000 ऐसा कुछ रेट है, मुझे अब एक्चुअल रेट मुझे याद नहीं है, या तो आप MRP चेक कर लो उसकी, MRP जो भी नेट पर आ रही होगी उसमें से आप 15% लेस कर लेना, फुल्ली छूट। डॉल्बी एटमॉस प्लेयर स्ट्रीम डिवाइस के बारे में बताएं, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, किन्होंने पूछा है? अरुण GBG ने, ये जो है बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, तो बाकी सभी कमेंट्स को पहले मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहूँगा और इसी कमेंट का आंसर अलग करना चाहूँगा। तो आपका क्वेश्चन है डॉल्बी एटमॉस सोर्स, तो हम सबसे पहले हम सोर्स की बात करेंगे सिर्फ, देखो सोर्स जो सा है या स्ट्रीमिंग डिवाइस, आपने दो दो अलग को अलग अलग लिखा है इन्हें, बट एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें सेम है अरुण जी। तो सोर्स जो है वो हमारा, आप एटमॉस के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आप फायर स्टिक यूज़ कर सकते हैं, बट 4K वाली में जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 4K वाली फायर स्टिक के अंदर एटमॉस का सपोर्ट नहीं आ रहा है अभी, तो आप HD वाली जो सी फायर स्टिक है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक ब्लूरे प्लेयर ले सकते हैं, ब्लूरे स्मार्ट प्लेयर ले सकते हैं, तो आपको फायर स्टिक का इशू भी नहीं आएगा, उसमें आपके जो सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली आप उसी में डाउनलोड कर सकते हो और चला सकते हो, जैसा कि प्राइम है, डिज्नी हॉटस्टार है एंड नेटफ्लिक्स है, उसी पे काम कर जाते हैं। और सोर्स में हमारे पास में मीडिया डिवाइसेस आती हैं, जैसा कि पॉपकॉर्न आर है, इनवीडिया है, इस टाइप से आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे स्ट्रीमिंग डिवाइसेस मिल जाएंगी, तो वो भी सोर्स ही हैं एक, तो उस पर आप चाहे तो हार्ड डिस्क लगाकर भी प्ले कर सकते हैं, अगर आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर में डेटा है कोई वो कर सकते हो। तो सोर्सेज के अंदर में आप, हाँ लैपटॉप है, लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, मैं पर्सनली जो खुद भी यूज़ करता हूँ कई बार, मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट सभी डिवाइस होंगे, बट फिर भी अपनी एक आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंट के लिए लैपटॉप जो सा है उसका यूज़ मैं ज़्यादा करता हूँ एज अ सोर्स डिवाइस फॉर एटमॉस, तो यही लैपटॉप मेरा यूज़ होता है एटमॉस के अंदर। और इससे आगे बढ़ेंगे तो प्लेयर की बात अगर करते हैं, तो AVR चाहिए सर आपको इसके लिए, प्लेयर के लिए, तो कोई भी आप एटमॉस एनेबल AVR लीजिए, जैसा कि अभी यहाँ पर जो सेटअप मेरा कनेक्टेड है ये 2700 AVR कनेक्टेड है यहाँ पर, जिसमें कि सोर्स जो सा है वो फायर स्टिक का भी लगा हुआ है, और साथ में हमारे पास में लैपटॉप है वो भी कनेक्टेड है मेरा इसी पर। स्पीकर्स के अंदर मेरे पास में ELEC के FX सीरीज़ के स्पीकर्स हैं वो लगे हुए हैं सारे, और एटमॉस के अंदर मेरा फोकल है, फोकल के स्पीकर्स हैं वो, फोकल ऊपर एटमॉस में मेरे लगे हुए हैं, तो ये सारा सेटअप है, वो बजट के हिसाब से सारी चीज़ें जो सी हैं वो सिलेक्ट की जाएंगी। सुनील कुमार जी मेरा मैसेज नहीं पड़ा, सुनील जी दोबारा भेज देंगे प्लीज़, एक बार मेरे को
मैसेज ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उनको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कई मैसेजेस जो होते हैं ना वो छूट जाते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ऑल सिग्नेचर सीरीज स्पीकर्स का प्राइस क्या इंक्रीज होने वाला है? वैसे तो जावेद जी इंक्रीज हो चुका है, थोड़ा सा रेट बढ़ गया, 2500-3000 रुपये का फर्क आ गया है एमआरपी के ऊपर। बट अभी जो कट था हमारा, जो सा डिस्काउंट कंपनी हमें देती है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसका जो सा कट था वो उतना ही था, बट अभी जो सा है वो कट जो सा है वो कम होने जा रहा है, तो जो लेस है वो आपको कम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑडियो गुरु जी, ऑडियो थोड़ा नॉइसी है सर, वही मेरे पास में यार माइक नहीं है एक्चुअली, अभी मैंने बताया, तो इस चक्कर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यार आपको करना पड़ जाएगा। गेमिंग 360 हाय सर, व्हाट अबाउट सोनी रेडी 72? यार 7200W जो सोनी का है ये अच्छा मॉडल है, बट यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इतना पैसे लगा रहे हो ना तो आप इससे काफ़ी अच्छी चीज़ और काफ़ी बेटर चीज़ ले सकते हो अगर आप चाहो तो। इमरान जी ओके भाई, ये कंफर्म करना था। बिल्कुल इमरान भाई, कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरा पार्सल आया नहीं, शायद मंडे या ट्यूजडे तक आ जाएगा। यार आपका भी अभी आएगा, आपके साथ में मैंने अभी एक एम्पलीफायर भी भेजा था, पावर एम्पलीफायर देहरादून में, तो उनका भी अभी भी मैसेज आया था मेरे पास कि उनके पास पहुँच गया है, तो मे बी आपके पास भी कल तक शायद पहुँच जाना चाहिए, कल या मंडे को पहुँच जाएगा वो। विपिन जी 10x12 का रूम है कौन सा? विपिन जी 12x10 में 5.1 का सेटअप लगाओ आप, तकरीबन 72-75 के आसपास में पड़ेगा वो, रेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे पता कर लेना, तो इसी में आपका काम चल जाएगा। अमन जी सर 35000 के रेंज में कौन सा साउंड बार लें? भैया साउंड बार के लिए देखो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा अमन जी आपको कुछ भी, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं है अभी रेट, या मैं अभी अभी आपको कोई भी मॉडल बता दूँ और आप गलती से मेरी बात मान के ले लो बाद में अच्छा ना लगे, तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप किसी भी वीडियो पे कमेंट छोड़ देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज छोड़ देना, तो मैं आपको जो बेस्ट होगा वो बता दूंगा आपको। बाकी डेनन की साउंड बार इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, पॉलकॉडियो भी है, पॉलकॉडियो की भी काफ़ी बेटर चल रही है इसी रेट में अगर हम जाते हैं, अगर ऊपर जाओगे तो काफ़ी चीज़ें और मिल जाएंगी आपको। पंकज जी कहना ही बाय अनदर एटमॉस टिकोर एटमॉस में रिलीज जनरेशन एंड गुड एटमॉस एटमॉस फॉर के इज नॉट इंपॉर्टेंट प्लीज हेल्प आई विल बी ग्रेटफुल टू। पंकज जी अगर आपके लिए मैटर नहीं है 4K तो बिल्कुल आप अगर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, जो इनकी नॉर्मल HD वाली वो आ रही है फाइव स्टिक जो उनसी आ रही है, तो उसकी जनरेशन मुझे ध्यान नहीं है, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसमें कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा मुझे तो यहाँ पर। हाँ ये थर्ड जनरेशन है फायर स्टिक के लिए, मतलब जो हमारी क्या होती है ये HD के अंदर जो सी फायर स्टिक है उसका जो जनरेशन है वो है थर्ड जनरेशन, तो इसमें एटमॉस का इफेक्ट जो है वो आ रहा है मेरे पास में, बट 4K वाली में नहीं आ रहा जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो यहाँ से, या फिर एक काम और कर सकते हो आप कि मैं आपको एक बाइंग लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर लेना, उससे दो पैसे मेरे कमीशन भी मिल जाएगी मुझे, आपको उतने का ही पड़ेगा। मगर अजर टेक्नो गेमिंग डॉल्बी एटमॉस वर्सेस ऑरा 3D में साउंड कैसा बेटर है? बिल्कुल सर 3D अगर ऑरा 3D के अंदर आप जाते हैं अजर जी, तो जाहिर सी बात है उसका जो एक्सपीरियंस है वो अलग लेवल पर आ जाता है, बट उसके लिए काफ़ी सिरदर्दी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो स्पीकर सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा अलग टाइप से हमें करना पड़ता है, मतलब उसमें लेयर्स बनानी पड़ती हैं एक्चुअली, हमें नीचे की एक लेयर आएगी, एक लेयर फिर मिडल में आएगी, एक लेयर जो सी है वो हमारी टॉप पे आती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, वायरिंग का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और काफ़ी सिरदर्दी लेनी पड़ती है वायरिंग के लिए भी, बट एक्सपीरियंस जो है वो जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा। और बट उसके लिए एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ कि आपके रूम में एकॉस्टिक का होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे स्पीकर्स जब काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन में उसमें आपको एकॉस्टिक का चक्कर पड़ सकता है, तो एकॉस्टिक का भी काम आपको मे बी हो सकता है करवाना पड़े और वो 3D को इंस्टॉल करने के लिए। तो सुमित सुनील कुमार जी भैया आपने फोन साइलेंट कर दो प्लीज, फोन तो कर दिया सर मैंने, बंद ही कर दिया फोन को, मेरे ख्याल से मैसेजेस तो आएंगे मगर है ना, उसको मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे कर देता हूँ। आ जा बेटा है डू नॉट डिस्टर्ब, इधर है
चलो जी हो गया जी। और बताओ सर, और सेवा बताओ। सर फ्लोरेंस का रिव्यू कब करोगे? सर इसके रिव्यू के लिए मेरे को पहले यूनिट चाहिए है, क्योंकि मैंने इनको सुना नहीं है, तो जब तक मैं सुन ना लूँ तब तक मैं कोई भी रिव्यू नहीं करूँगा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं इसका यूनिट अगर कहीं सुनने को मिल जाए या डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, कुछ भी मतलब हो मैं कि मैं एक बार इसे चेक कर सकूँ जिससे, तो उसके बाद में इसका रिव्यू हम डालेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। सुमित अग्रवाल जी, व्हाट योर ओपिनियन अबाउट कंपेयर बैटरी 250 GBL 5.1 साउंड बार? सर साउंड बार और होम थिएटर को आप कभी जिंदगी में कंपेयर नहीं कर सकते हो। जो इफेक्ट आपका एक एक्चुअल होम थिएटर देता है, वो इफेक्ट आपका कोई भी साउंड बार नहीं दे सकता, अगर आप कंपेयर कर रहे हो दोनों को। तो आई थिंक आपको जवाब पता लग गया। इमरान जी भाई, एलेक्सा कैसे कनेक्ट होगा, उसका वीडियो डालिए। ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल डाल देंगे, उसका वीडियो भी डल जाएगा। एंड संजय जी, यामा का ये वीआर है और कितने का है? सर यामा फ़िलहाल मैंने अभी बंद करा हुआ है बेचना मेरे पास में। वैसे अगर आपको है तो दो मॉडल अवेलेबल हैं मेरे पास में, उसका मॉडल एक तो है V4 है आई थिंक, या A4 है, और एक मॉडल और है उसके बारे में मेरे को पता नहीं, अभी याद नहीं है मुझे। बट फिलहाल के लिए मैंने बंद किया हुआ है, वो भी किसी के लिए मंगवाए हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़बरदस्ती में भी, हमने तो लेना ही वही है, तो उनके लिए ये नहीं पड़ता है। अजहर जी, HDMI 1.4 HDGP 2.2 वर्जन में कौन सा ऑडियो वीडियो सपोर्ट करता है? मेरे PC में है ये वर्जन। सर दोनों ही करेगा सपोर्ट, तो उसमें एक दिक्कत क्या आई आपकी? अच्छा ये 1.4 पे है मगर आपका, यार ये क्वेश्चन सर समझा नहीं मैं आपका। अजहर जी एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब करो इसको। हरपिंदर जी, सर आई वॉन्ट टू टेल यू एप्पल 4K टीवी इज अ स्ट्रीमिंग डिवाइस टू 4K एंड नेटवर्क्स। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल है वो, तो मैंने अभी बताया ही आपको कि और काफ़ी सारे सोर्सेज हैं लगाने के लिए। आप इनविडिया शील्ड लगाओ, आप 4K लगाओ, इनविडिया जो बॉक्स आता है वो क्या कहते हैं उसको, टीवी बॉक्स होता है क्या होता है, वो लगा सकते हो। तो अभी जो वैसे बताया मैंने आपको, वो एक सस्ता जुगाड़ जो सा होता है, वो सिर्फ यही हमारा पेंडर, ये जो एलेक्सा का वो क्या आता है, ये जो फायर टीवी स्टिक है, उसके बारे में बात हुई थी। विश्वजीत जी, अमित भाई कैसे हैं आप? विश्वजीत जी बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप बताइए सर आप कैसे हैं? इससे पहले दो बार नमस्कार कर लिया, आप जवाब नहीं दे रहे। सर माफ़ी चाहूँगा, कमेंट्स एक्चुअली कई बार एक साथ आ जाते हैं तो वो कमेंट ऊपर निकल जाते हैं, तो पता ही नहीं लग पाता, तो सॉरी उसके लिए। कबीर कुमार जी, सर जी मेरा मैसेज नहीं पड़ा, सर दोबारा भेज दो प्लीज़। कपिल कुमार जी, 4K प्रोजेक्टर, कपिल कुमार जी 4K, थैंक यू। बिल विदाउट बिल दिवाली ऑफर? सर विदाउट बिल के अंदर नहीं है, विद बिल में मिलेगा आपको। और प्राइस के लिए फिर से वही कहूँगा आपको कि इंस्टाग्राम पर ही संपर्क कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पर मेरे को प्राइजेस ऐसे याद नहीं रहते हैं। और दिवाली का ऑफर सर यही है कि दिवाली के टाइम पर आते आते प्राइजेस जो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके जी, सर सस्ते में एक होम थिएटर पैकेज बोलिए। सर कितने सस्ते में चाहिए आप पहले ये बताइए, अगर उसमें कुछ आता होगा हो सकता होगा तो आपको बता दूंगा मैं। गुरु जी, गुरी जी भाई आप कैसे हैं? भाई आप बहुत बढ़िया गुरु, गुरी जी मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? कपिल कुमार जी, आपके बाल क्यों खड़े हैं? करंट लग गया था अभी मेरे को बड़ा ज़बरदस्त वाला, चिपक गया था मैं बिजली के साथ, बिजली मतलब वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कोई लड़की मत समझ लेना कि चिपक गया। और कपिल कुमार सिंह जी, एप्पल टीवी अच्छा है या अमेजोन फायर टीवी के लिए? एडमॉस का इफेक्ट देखो दोनों में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि उसमें आएगा इसमें नहीं आएगा, दोनों में आता है। और मोस्टली जो चीज़ होती है ना वो होती है कि उसकी जो मूवी है जो भी उसकी जो डिकोडिंग की गई है वो कैसी की गई है, तो कंटेंट जो सा होता है वो सेम होता है, आप चाहे उसको फायर स्टिक में प्ले कर रहे हैं चाहे आप उसको एप्पल टीवी में कर रहे हैं, तो वो जो इफेक्ट है वो इफेक्ट आपका सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक आवाज़ मान लो आप 4K आपने वो एप्पल टीवी लगा रखा है तो उसमें एक आवाज़ आ रही है बट वो वाली आवाज़ आपके उसमें फायर स्टिक में नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा गेन का फर्क आता है, थोड़ी सी क्वालिटी का फर्क होता है, बट दोनों जो हैं दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं, आप लगा सकते हो दोनों। बजट का फ़र्क है, प्राइजेज में फ़र्क आता है, तो उसके हिसाब से वो आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। एज अ क्वालिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं मिलता।
सुमन दे सुमन जी कैसे हो भाई? बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? प्रवीण कुमार जी, सर जी आप अपना एक वेबसाइट बनाइए, काफ़ी यूजफुल होगा। आप प्रवीर जी, वेबसाइट एक्चुअली बनी हुई है, audioguruji.in उसका है एड्रेस है, बट वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे बीच में, तो उसको मैं इम्प्रूव कर ही नहीं पाया। मतलब सिर्फ वेबसाइट बनाकर अभी छोड़ दी है वो, अभी उसमें कुछ डेटा वगैरह नहीं डाल पाया हूँ। तो मे बी हो सकता है कि ये दिसंबर के टाइम तक में वो शुरू कर देंगे उसको, वेबसाइट को। तो अभी भी वैसे अगर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, audioguruji.in के नाम से ही है, बट वो अभी वर्किंग में नहीं हमने डाली है, तो जल्दी ही डाल देंगे उसको भी। ओके, तो थर्टी थाउजेंड में एक होम थिएटर बोलिए सर, 30,000 में मिलना पॉसिबल नहीं है होम थिएटर। अगर आप एक अच्छा होम थिएटर लेना चाहते हो उसके लिए आपको 70,000 to 75,000 का मिनिमम खर्चा है। अगर आप थोड़ा सा और कम करना चाहते हो तो उसमें जो स्पीकर्स हैं वो हम थोड़े सस्ते और लगा सकते हैं, जैसे कि मिशन के क्यूब आते हैं जो 5.1 का पैकेज आता है, आप वो भी लगा सकते हो उसमें, वो आपको सस्ता मिल जाएगा। तो तब भी ऑलमोस्ट तकरीबन आपका 50,000-55,000 रुपये के आसपास तो फिर भी आपका लगेगा उसमें। कपिल कुमार जी, कितने किस्मत वाला कपिल जी, कितने किस्मत वाला, मतलब समझे नहीं हूँ सर। सोनी ST8 इंडिया में अवेलेबल है क्या, उसका क्या प्राइस होगा? सर अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया इन्होंने, तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए अभी। विश्वास जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विश्वास जी। इफ आई रिप्लेस माई Denon 1912 हाउ मच आई हैव टू पे? सर 1912 का आपको अगर जाते हो उसको सेल करते हो तो मेरे हिसाब से 15,000 रुपये के आसपास में वो सेल होता है, तो 15,000 रुपये आपको उसमें कम हो जाएंगे, और जो मॉडल आप लेना चाहते हो उसके प्राइस में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे वो। कपिल कुमार जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। क्या क्या बात है सर जी, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नहीं किया है कोई नया व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और क्या करते हो, और लाइक कर देना और बाकी की वीडियोज़ भी देख लेना, बस यही आशा है हमारी आपसे। गौरा जी, भाई 2,00,000 के अंदर एक डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर बताएं। भैया 2,00,000 के अंदर अंदर अगर आप चलते हो तो यहाँ पर आप Denon का 1600 JVR ले सकते हैं, और स्पीकर्स के अंदर आप इलेक्ट के सिनेमा 12 हैं वो लगा सकते हैं, या आप मॉनिटर ऑडियो रेडियस है वो लगा सकते हैं, और इसके बाद में 2,00,000 के अंदर में आप क्या कर सकते हो, क्लिप्स है, क्लिप्स का जो रेफरेंस है वो लगा सकते हैं, एंड यही थोड़े बहुत मॉडल जो हैं 2 के नीचे बैठ जाएंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे फ़ोन कीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप पे नहीं हो, उस पर इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिएगा। कपिल कुमार सिंह जी, थैंक यू गुरु जी, ये तो हो गया था यार कल। विश्वजीत जी भाई, सब भाई सेशन को लाइक कर दीजिए, लाइक कम दिख रहे हैं और लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। विश्वजीत जी, वेरी वेरी थैंक यू, मेरी तो मानते नहीं है यार लोग, क्या पता आप ही की मान जाए। ओके, आगे चलते हैं हम। तो कपिल कुमार सिंह जी, गुरु जी Denon ब्रांड्स यामा कौन सा AVR अच्छा है? देखिए सर जी, वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, सारी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी हैं, बट इशू जो सा आ रहा है वो इस टाइम यामा में ये इशू आ रहा है कि उसकी जो सर्विस है वो थोड़ी सी सही नहीं चल रही है इस टाइम, तो इस वजह से मैं अभी यामा नहीं सेल कर रहा हूँ ज़्यादा। बाकी मरांड्स और Denon जोन्स है वो दोनों एक ही कंपनी है, एक ही बंदे के एक ही बाप के दो बेटे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बट Denon की सेल ज़्यादा है क्योंकि Denon में थोड़ी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, और मरांड्स में थोड़ी सी वोल्टेज कम होती है, और प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अजय कुमार जी, HDMI पोर्ट 1.4 और HDBC 2.2 है? नहीं सर, 1.4 अगर आपका पोर्ट है तो उस पर आपका डॉल्बी एटमॉस वगैरह सपोर्ट नहीं करेगा, उसमें आपका आपको चाहिए है 2.0 तक का सपोर्ट चाहिए 4K के लिए और एटमॉस के लिए। अगर 8K में जाते हैं तो वहाँ पर फिर हमें 2.1 का सपोर्ट चाहिए होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि एटमॉस ना मिले, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने ऐसा भी देखा कि 1.4 का पोर्ट है बट फिर भी एटमॉस का जो उनसे इफेक्ट है वो आ रहा होता है, कि AVR पर एटमॉस भी लिखा हुआ आ जाता है, तो एक बार चलाकर देख लो आप, वैसे नहीं तो 2.0 का वर्जन वैसे चाहिए होता है। गोरा जी, थैंक्स भाई, इट्स ओके सर। विपिन जी, मेरा बजट 25,000 का है, मैं कौन सा एक्टिव सर्व करूँ?
सर 35,000 रुपये का बजट में आप ले सकते हैं HTC 10 है, 10 ले सकते हैं पॉलकॉडियो का, ये भी उसमें इलेक है, इलेक ले सकते हैं डेब्यूट सीरीज के अंदर, और इसके अलावा आप और भी ब्रांड है वैसे काफ़ी, अब एक साल याद भी तो नहीं आते एकदम से ऐसे, तो काफ़ी मतलब है 35 के आसपास आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे यार। बिक अमेरिका है एक मॉडल आता है एच सीरीज के अंदर है, वो भी मिल जाएगा आपको, JBL है JBL मिल जाएगा, तो ये सभी जो से हैं आपको मिल सकते हैं। मित्तल जी सिंपल छोटे घर के लिए सोनी HD 600 वाट 5.1 चैनल होम थिएटर कैसा रहेगा? बिल्कुल सर ले सकते हो आप मित्तल जी, बिल्कुल खरीदा आप ले सकते हैं, एक नॉर्मल रूम के लिए सही रहेगा वो आपका। बट यहाँ मैं ये भी बोलूँगा साथ में कि अगर आप सोनी पर ही रहना चाहते हैं, तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद में कई ऑप्शंस भी लेंगे फिर आपको। पवन कुमार जी, हेलो अमित जी, क्या 6 ohms AVR के साथ 4 ohms के स्पीकर चला सकते हैं? सर ना चलाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि आप यूज़ कर रहे हो चल जाएं, बट कोई शॉर्ट ही नहीं है कब तक चलेंगे वो, आपका AVR जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ना चलाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। KN Gaming जी, सर मोनिटर ऑडियो के स्पीकर्स का प्राइस 50% कट डाउन हुआ है, आप क्या ये करेक्ट यूज है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे पास में 2-3 दिन पहले ही इनकी प्राइस लिस्ट आई है कंपनी से डायरेक्टली, उसके अंदर कोई भी ऐसा चेंज नहीं है। अगर ऑनलाइन कोई ये चीज़ दिखा रहा है आपको तो मे भी हो सकता है वो फ्रॉड हो, या फिर हो सकता है कि वो यूज्ड वाले जो उनसे होते हैं डेमो पीस होते हैं उनको नया कह के बेच रहे हैं, तो आप तसल्ली करके चीज़ को लीजिएगा जब भी लेने लगे। अजय टेक्नो गेमिंग की HD 2.0 वर्जन के लिए होता है क्या सपोर्ट करता है? सर ये तो ऑडियो सॉरी वीडियो क्वालिटी को करने के लिए है, जो ऑडियो आप एटमॉस की बात कर रहे हो, एटमॉस जो सा है वो ऑडियो है, वो एक वीडियो का फॉर्मेट नहीं है, एटमॉस जो है वो ऑडियो फॉर्मेट है हमारा, तो HDPC जो है वो और वीडियो के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, बट हमें जो सा HDMI पोर्ट का वर्जन जो सा चाहिए है वो हमारा ऑडियो को ट्रांसफ़र करने के लिए चेंज करते हैं, तो उसका ये एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है मतलब ये दोनों के अंदर। सुदम जी, अगर हमारा होम थिएटर का बजट है 2 लाख तो उस हिसाब से कौन सा AVR बेस्ट है? सर 2 लाख का बजट अगर आपका टोटल सिस्टम का है तो आप यहाँ पे डेनन का 2700 ले सकते हो, 1600 ले सकते हो, और उसके साथ अच्छे स्पीकर आप लगाओ तो बल्ले बल्ले हो जाएगा फिर आपको। पेंगल जी, सर प्लीज़ डॉल्बी हेडफोन से AVR विद आउट स्पीकर ऊपर एंड 4K प्रोजेक्टर इन अबाउट 2.5। सर ये अगर आप 4K प्रोजेक्टर के साथ लेते हो तो आपको इतने में नहीं बनेगा, आपका आपको ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए, इतनी कॉस्ट के अंदर नहीं बन पाएगा वो, क्योंकि 4K प्रोजेक्टर अच्छा प्रोजेक्टर अगर आप ले रहे हो एक एक्चुअल 4K जो आता है, 4K एक देखिए 4K दो तरह के होते हैं, एक होता है नेटिव रेजोल्यूशन का, वो जो है वो थोड़े सस्ते होते हैं, वो आपको मिल जाएगा 1.5 लाख 1,70,000 1,80,000 इस रेंज में मिल जाएगा आपको, बट एक्चुअल जो 4K प्रोजेक्टर है वो स्टार्टिंग जो सा है वो 3.5-4 लाख रुपये से स्टार्टिंग होता है उनका, तो हम जो यूज़ करते हैं पर्सनली मैं भी जो यूज़ करता हूँ वो नेटिव 4K के अंदर आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं मिलेगी, अभी मेरे लगा भी हुआ है वो मैं आपको चलाकर भी दिखाऊंगा अभी, तो ये जो प्रोजेक्टर मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये 1,70,000 रुपये का प्रोजेक्टर है और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्टर है, तो 1,70,000 रुपये अगर हमने 2.5 लाख में से कम कर देते हैं तो हमारे पास में बच जाते हैं 80,000 रुपये बचते हैं, तो इतने में आपका म्यूजिक सिस्टम जो है वो नहीं आ पाएगा, उसके लिए आपको फिर बजट बढ़ाना पड़ेगा। आपका रूम का साइज नॉर्मल है छोटा है तो आप यहाँ पर 4K की जगह HD प्रोजेक्टर भी लगा सकते हो, अच्छा HD प्रोजेक्टर आप लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी 4K का अगर डेमो किसी को अभी चाहिए लाइव का तो वो 4K प्रोजेक्टर मेरा है, मैं आपको चलाकर भी अभी दिखा सकता हूँ उसको अगर आपको चाहिए हो तो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगर ₹35,000 में सर स्पीकर चाहिए आपको तो थोड़ा सा बजट और बढ़ा लो, 5-7 हज़ार रुपये और डालो, पॉलकॉडियो के TL 1600 है वो ले सकते हो आप, अच्छा अगर आपको 5.0 चाहिए तो 0 के अंदर में तो फिर आपके पास में यार 35,000 में कैसे करेंगे, उसमें यही हो सकता है कि एक पैकेज में से सबवूफर निकाल लेंगे उसको, उसके पैसे आपको लेस कर देंगे, बस यही हो सकता है। मोहित जी कैसे हैं? सर जी बहुत बढ़िया, मोहित भाई आप बताइए आप कैसे हैं भाई? पहले सिर्फ 16-17 की
वाचिंग आती थी, पर अब जब आए तो 40+ वाचिंग देख दिल खुश हो गया। थैंक यू वेरी मच भाई, सब आप ही की सपोर्ट का काम कमाल क्या होता है वो कमाल है। मोहित जी, 15x15 का रूम में बेस्ट होम थिएटर बताओ भैया। 15x15 के रूम के अंदर में आप 5.1 का पैकेज लगा लो, 70-80 हज़ार रुपये लगेंगे आपके, बढ़िया काम हो जाएगा आपका। डेनन का एवीआर आ जाएगा, कॉल ऑडियो के स्पीकर आ जाएंगे आपके। ब्रो मुझे 4K फॉर्मेट के बेस्ट प्रोजेक्टर चाहिए, मुझे 4K फॉर्मेट का बेस्ट प्रोजेक्टर चाहिए, कौन सा बढ़िया होगा अंडर 3 लाख। यार एक्चुअल 4K, अगर 3 लाख रुपए आप खर्च रहे हो तो थोड़े से पैसे और डालो इसमें, आपको सोनी का एक्चुअल 4K प्रोजेक्टर मिल जाएगा, 3 साढ़े 3 4 लाख, 3.5 लाख में आई थिंक मिल जाएगा आपको। वो एक बार पता करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप 3 तो खर्च ही रहे हो यार। सर आप कौन सा 4K प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं? मैं हरपिंदर जी यूज़ करता हूँ ऑप्टिमा का UHD 51A। पवन कुमार जी, अमित जी, डेनन एवीआर का दिल्ली में सर्विस सेंटर कहाँ है, क्या एड्रेस बता सकते हैं? सर सर्विस सेंटर आपका पवन जी मिलेगा आपको नेहरू प्लेस के अंदर। एड्रेस मेरे पास ऐसे माइंड में नहीं है, मेरे पास में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज दीजिएगा एड्रेस के लिए, तो मेरी टीम आपको एड्रेस सेंड कर देगी वहाँ पर। पृथ्वीराज जी, डागा TSW 1212 सबवूफर कैसा है? सर अगर प्राइस के हिसाब से चलते हैं तो ये सबवूफर इसके मेरे हिसाब से ज़्यादा सस्ते भी नहीं है, ठीक ठाक पैसे ही ले रहे हैं ये, तो उस हिसाब से शायद प्रोजेक्ट सॉरी अगर सबवूफर किसी अच्छी कंपनी का और लगा ले तो ज़्यादा बेटर है। स्पीकर्स जो से हैं वो आप चाहें इन्हीं के लगा सकते हैं, सबवूफर में मेरे हिसाब से मेरे को इतना ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आया। गजर जी हेलो, गुरु जी नमस्कार, नमस्कार गजर जी। उमेश जी, टाटा स्पीकर्स सही रहेंगे क्या 35 हज़ार में? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकते हो आप, 35 हज़ार के नहीं है वो, और सस्ते में मिल जाएंगे आपको अच्छी अच्छे प्राइस के लिए। आप मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। मोहित जी, गिव अवे कब आ रहा है फोन ऑडियो सब ऊपर का? ये भैया अभी 3 4 दिन में मेरे पास में जो लीगल इन्फॉर्मेशन है कंपनी की तरफ से कि क्या शर्तें रख रहे हैं, वो क्या करना है इन्होंने, तो वो सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में एक वीडियो बनेगी, उसी में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा इसकी। और ज़्यादा जो सी डिटेल्स आएंगी उस गिव अवे के बारे में वो आपको इंस्टाग्राम पर ही मिलेंगी, तो आपने अगर वहाँ पर फॉलो नहीं किया होगा तो उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी पता लगती रहे उसके बारे में। मॉडल नंबर क्या है सोनी के प्रोजेक्टर का? भैया याद नहीं है, आप कमेंट छोड़ दो किसी भी वीडियो पे या उस पे क्या होता है वो इंस्टाग्राम पर, मैं आपको बता दूंगा मॉडल उसका। ओके तो आगे हम बढ़ेंगे। मोहित राघव जी, कौन सा सही है डिटेल में बताओ। मोहित जी दोनों ही अच्छे मॉडल हैं, आप RT 3 भी ले सकते हो और यो भी ले सकते हो, बाकी डिटेल में कैसे बताऊँ क्या बताऊँ उसके बारे में तो मेरे को ऐसा समझ भी नहीं आएगा कुछ। उमेश जी थैंक यू सर, इट्स ओके सर जी। उमेश सैनी जी, लव यू फ्रॉम दुबई, थैंक यू सर, लव यू टू ब्रो। पृथ्वीराज जी, टागा 112 मुझे 6 मंथ ओल्ड मिल रहा है 17,500 में मिल रहा है तो ले सकते हैं क्या? 17,500 रुपये में मिल रहा है आपको तो सर ठीक है मेरे हिसाब से, फिर तो आप ले सकते हो यार। विश्वास जी, तो गेट ग्रेट विजुअल एक्सपीरियंस विच इज द बेस्ट प्रोजेक्टर और OLED TV। सर ये देखो विश्वास जी, दोनों अलग चीज़ें हैं बिल्कुल ही। जहाँ पर प्रोजेक्टर का काम है वहाँ पर प्रोजेक्टर ही लगेगा, जहाँ पर टीवी का काम है वहाँ पर टीवी ही लगेगा आपका। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक नहीं है, मतलब कि इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते कि क्वालिटी किसकी बढ़िया है किसकी नहीं है, काफ़ी सारे फ़र्क हैं। देखो प्रोजेक्टर अगर आप लगा रहे हो तो आपका कमरा डार्क होना चाहिए, आपका स्पेस अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। टीवी के लिए आपको कमरे की कोई टेंशन नहीं होती, लाइट जल रही है, सनलाइट आ रही है, कुछ हो रहा है, उसका कोई इशू नहीं होता। तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपके रूम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कैसा रूम है आपका, उस हिसाब से आप उसे चुने। और सेकेंडली कितना टाइम यूज़ करते हैं आप इसके, ये भी बहुत बड़ा एक देखने वाली बात होती है।
कि आप यूज कितनी देर का कर रहे हैं। अगर आपने नॉर्मली टीवी जो होता है हमारा सारा दिन चलता रहता है, तो सारा दिन आप प्रोजेक्टर नहीं चला सकते, आपको टीवी लगाना बेटर है। अगर आपने सिर्फ मूवीज के लिए देखना है, कभी दिन में 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं तो चला लिया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर में प्रोजेक्टर काफी बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टर का देखो डिस्प्ले जो है काफी बड़ा आएगा। उसी साइज का अगर आप एक LED या OLED ले रहे हो तो वो उससे कई गुना ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ये सब चीजों को आप कंसीडर करो पहले, उसके बाद में एक निष्कर्ष निकालो कि क्या सही है आपके लिए। विनोदी सर जी प्लीज सजेस्ट बेस्ट म्यूजिक सेटिंग ऑफ 100.1। विनोद जी सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो CT100 है बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत बढ़िया। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही किसी को दिए हैं, तो अल्टीमेट स्पीकर है भाई। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, तो सेटिंग करानी है आपने 2400 पे। तो सर सेटिंग देखो मैं ऐसा ओरली नहीं बता सकता ऐसा कुछ भी, उसके लिए आपको सर्विस होती है हमारी 500 रुपये वाली, आपको पता होगा मे भी। तो इंस्टाग्राम पर आप मेरी टीम से बात कर लेना, वो आपको सारा बता देंगे। तो एक लाइव कॉल के जरिए मैं आपकी सेटिंग को चेक कर लूँगा वहाँ पर, और जो बेस्ट सेटिंग होगी वो आपको मैं बता दूंगा वहाँ पर। ये अभी ओरली ओरली ऐसे बताना मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ वैसे आपकी। अरुण जी MI लेज़र प्रोजेक्टर अच्छा है 4K एंड HD। हाँ सर MI का लेज़र जो है वो है तो अच्छा ही है, पता नहीं अभी इंडिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले दुबई से मंगवाया था वो जब लॉन्च किया था इन्होंने, तो अच्छी क्वालिटी थी उसकी, बट कुछ थोड़े से इशू भी था उसमें आया था, इस वजह से मैंने वो चेंज कर लिया था। बाकी वैसे ओवरऑल देखो तो प्रोजेक्टर अच्छा प्रोजेक्टर है। उमेश जी जो 20,000 की रेंज में प्रोजेक्टर सही रहेगा। सर 20,000 के अंदर में जो प्रोजेक्टर्स आप लेते हैं ना, वो होते हैं नकली वाले प्रोजेक्टर जो चाइनीज़ कंपनीज वगैरह बनाती है। अभी यहाँ पर वो भी लटका हुआ है मेरा एक ऊपर, तकरीब 20-25,000 रुपये के आसपास का ही है ये वाला। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है इनके अंदर में। अगर एक एक्चुअल आप HD प्रोजेक्टर भी अगर लगा रहे हो ना अपने घर पे, तो एक्चुअल अच्छा अगर HD प्रोजेक्टर आप लगाते हो तो आपको वो कॉस्ट करता है तकरीबन 60 to 70 के बीच में। तो वो जो 20-25 वाले होते हैं वो मिनी प्रोजेक्टर्स आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आपको इतना सेटिस्फाइड कर सकते। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप सेटिस्फाइड हो रहे हो जाओ तो वो अलग बात है। अजय टेक्नो भाई मेरे पास एम्पलीफायर बायो से एम्पलीफायर बायो से अजहर जी एक बार मेरे को इसकी फोटोज वगैरह देना, और स्पीकर्स साथ के ही हैं या कैसे हैं वो सब कुछ आप डिटेल बताना, तो मैं आपको बेस्ट प्राइस जो होगा जो ले सकता हूँ मैं खुद ही ले लूँगा इसको। मोहित जी एक्टिव सबवूफर और स्पेशल सबवूफर में क्या फ़र्क है और इसमें से कौन सा अच्छा होता है? मोहित भाई इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है मैंने दोनों के ऊपर ही, उसमें डिटेल के अंदर में मैंने बताया हुआ है कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क होता है, क्या है बेटर कौन सा क्या है। तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो अगर देख लोगे तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं इतनी लंबी जानकारी नहीं बता पाऊँगा। तो प्लीज़ वो वाली वीडियो आप एक बार देख लो, उसमें आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। नितिन जी सर जी ऑडियो का कुछ बताएं, मैं GL ऑडियो का सर GL ऑडियो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत महंगी कंपनी है। तो सबवूफर्स के अंदर ये डील करते हैं, सबवूफर आते हैं इनके, एक्टिव सबवूफर गाड़ियों के भी आते हैं, घर के लिए भी आते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है तो इसलिए बहुत से लोग नहीं लेते हैं। और मैंने भी अपनी पूरी लाइफ के अंदर में सिर्फ 2 मॉडल हैं इसके, जो से 2 बार सेल किए हैं मैंने इसे, और इसके ज़्यादा मैंने भी सेल लिया, क्योंकि कॉस्टली काफ़ी कॉस्टली है। मोहित जी क्लिप्स के होम थिएटर्स भी प्रोवाइड कराते हैं वो क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल कराते हैं, सब कुछ करते हैं हम। उमेश जी ओके थैंक यू सर, फिर तो टीवी सही रहेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, वो आप अपने हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको कैलकुलेट करो कि आपके लिए क्या सही रहेगा। अगर टीवी का ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर है तो आप टीवी ही लें। परमिंदर सिंह जी व्हाट यू सजेस्ट अबाउट मीका? यार मीका के जो स्पीकर्स हैं ना, मैंने अभी तक इनका डेमो मेमो नहीं लिया ना ही मैंने बेचा है अभी तक, बट कंपनी में मेल डाल चुका हूँ, मैं मंगवा चुका हूँ स्पीकर्स वहाँ से, तो वो जैसे भी आते हैं मेरे पास में उनको टेस्ट कर कर उसके बाद में फिर मैं उसकी जो वीडियो है वो बनाकर आपको सबको शेयर कर दूंगा आपके साथ में। तो पहले वो आ जाए मेरे पास, उसके बाद में मैं थोड़ा यूज़ करूँगा उनको, पहले देखूँगा उसके बाद वीडियो बना देंगे। पवन कुमार जी अमित जी 4 ओम्स का स्टीरियो एम्पलीफायर कौन सी कंपनी का लें? तो 4 ओम्स के लिए सर डेनन है, डेनन ले सकते हो, यामा ले सकते हो, और मरांट्स है, मरांट्स ले सकते हो।
एडवांटेज सर जी, हमारे पास पुराने वाला स्पीकर उसको टीवी पे यूज़ कर सकते हैं क्या सर? पुराने वाले स्पीकर मतलब पैसिव स्पीकर हैं, एक्टिव स्पीकर हैं क्या हैं? अगर पैसिव स्पीकर हैं तो उनको डायरेक्ट आप अपने टीवी से कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक्टिव स्पीकर हैं तो हाँ बिल्कुल आप डायरेक्ट भी उसे अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। पृथ्वीराजी विच टीवी बॉक्स इज टू बी परचेज? टीवी बॉक्स के लिए सर इनविडिया है वो ले सकते हो, एप्पल है एप्पल टीवी ले सकते हो, एंड इसके अलावा अगर आप और कौन सा है, ये दो कंपनी तो अभी याद ही हैं, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। एम आई का भी आता है, सस्ता भी है, वो भी ले सकते हैं आप। मोहित जी, मैंने वो वाली वीडियो ऑलरेडी देखी है लेकिन मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ अभी आप शॉर्ट में बता दो कि आपके सब्जेक्ट कौन सा अच्छा होता है। यार ये देखो, एक्टिव सबवूफर और पैसिव सबवूफर में से अच्छा कौन सा होता है ना, इसका कोई एग्जैक्टली जवाब है ही नहीं, क्योंकि अगर आपका एम्पलीफायर एक पैसिव सबवूफर को सपोर्ट करता है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन ही यही है कि आप पैसिव लगाओगे। अगर आपका एम्पलीफायर एक एक्टिव सबवूफर को सपोर्ट करता है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको एक्टिव ही लगाना पड़ेगा उस पर। तो इन दोनों में से कौन सा बढ़िया होता है इसका कोई एग्जैक्टली जवाब जो है ना वो है ही नहीं इस सवाल का। बट वैसे अगर बात करते हैं दोनों को हम अलग अलग सिस्टम पर लगा कर देखते हैं तो एक्टिव स्पीकर जो सॉरी एक्टिव जो सबवूफर है वो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। उसका रीज़न एक तो ये होता है, देखो उसका बिल्कुल प्रॉपर मैचिंग एम्पलीफायर उसके अंदर लगा हुआ है, वो उसके ड्राइवर के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है तो वो एक्यूरेट बेस देता है आपको। और साथ में उसकी जो कैबिनेट है वो भारी होती है तो भारी से और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, जो आवाज़ हमारी होती है वाइब्रेशन कम हो जाती है। तो इस तरीके से फ़र्क अगर लगाएंगे तो हो सकता है, बाकी एक्चुअल दोनों में डिफरेंस मतलब डिफरेंस देख सकते हैं, बट कौन सा अच्छा है ये बताना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ओडीसी मल्टी इक्वलाइजर आप पर एक वीडियो बनाएं प्लीज़। ओडीसी के ऊपर जी सर बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा इसे भी बनाने की। और आगे चलते हैं, प्रिमल जी डॉल्बी एटमॉस के लिए कौन सा टीवी बॉक्स बेस्ट रहेगा? एटमॉस के लिए सर आप एप्पल टीवी ले लो, इनविडिया ले लो, दोनों के अंदर ही एटमॉस का सपोर्ट आता है। 2.0 वर्जन HDMI आती है इसमें, तो आपके दोनों ही वो जो से हैं वो सपोर्ट करते हैं उसे। सर जी पैसिव स्पीकर है पुराने वाले हैं? नहीं सर, पैसिव स्पीकर अगर आपके हैं तो आप उसे डायरेक्टली टीवी पे नहीं लगा सकते, आपको उसके लिए एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी, एम्पलीफायर से ही कनेक्ट कर सकेंगे आप उसे। मोहित जी ओल्ड होम थिएटर भी सेल करते हो आप? मोहित जी ओल्ड मतलब यूज्ड में भी होते हैं, बट कोई जो अच्छे मॉडल होते हैं वही होते हैं यूज्ड के अंदर, तो नया का ही ज़्यादा करते हैं। अरुण जी, सनडाउन ऑडियो के स्पीकर्स प्रोवाइड होंगे? सर सनडाउन ऑडियो जो है वो गाड़ी के लिए मतलब कि बेसिकली जो है वो कारों के लिए ही बनाता है, तो उसका होम ऑडियो के अंदर में नहीं है इतना। अगर आप सनडाउन जैसी क्वालिटी अगर चाहते हो आप घर के अंदर, तो उसके लिए आप सनफायर ले सकते हो, वहाँ पर आप अर्थक्विक है अर्थक्विक ले सकते हो, और JL ऑडियो है वो ले सकते हो, SVS है वो ले सकते हो, इस टाइप से आप काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी, रेल एकोस्टिक है वो ले सकते हो, मोनोप्राइज है वो ले सकते हो, मतलब ऐसे काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी, बट जो सनडाउन है वो गाड़ियों के लिए बनाते हैं। प्रवीर कुमार जी, सर जी मेरा टीवी 4K स्मार्ट टीवी है, इसमें बेटर साउंड इफेक्ट के लिए फायर स्टिक ज़रूरी है क्या? नहीं आपका सर अगर स्मार्ट टीवी है तो फायर स्टिक आपने क्या कर दिया, आपको उसी पे अपने टीवी के अंदर ही उसको जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लो और उसी के थ्रू आप चला सकते हो उसको, अलग से फायर स्टिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पर। ऑडियो सॉरी मोहित जी, ओल्ड होम थिएटर परचेज करने के लिए कोई वेबसाइट बता दो? यार वेबसाइट तो नहीं होती यूज़ के लिए, आप मेरा फेसबुक पेज है जो सा उस पर जा सकते हो, वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ ये चीज़ें, और इंस्टाग्राम पर भी कर देता हूँ, बट फेसबुक पेज पे आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी यूज्ड जो आइटम्स होती हैं, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। परविंदर सिंह जी, व्हाट यू सजेस्ट बिटवीन JBL 5.1 एंड Sonos 5.1 विद 10 एनएम? सर JBL को ही मैं प्रेफर करूँगा आपको ज़्यादा, क्योंकि Sonos के अंदर में मेरे को बहुत सी कमियाँ लगी हैं और
नहीं मतलब कितना ज़्यादा वॉइस क्वालिटी भी जो है वो अगर हम देखें कि बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी उनसे कॉस्ट भी जो है वो भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से JBL 5.1 पैकेज अगर आप ले रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है सोनोडाइन से कंपेयर करते हैं अगर। मिश्रा जी सर बेस्ट प्रोजेक्टर फॉर होम सिनेमा अंडर 25 के, ये मिश्रा जी 25,000 के नीचे में यार प्रोजेक्टर आपको सर वही मिलेंगे, बॉस है, बॉस का मिल जाएगा, चाइनीज़ कंपनी है वो, ये है और भी मतलब इस टाइप से काफ़ी सारी कंपनी है। एक्चुअली हमारे पास में ये चीज़ें नहीं होती, हमारे पास में ब्रांड जो से हैं वही होते हैं, तो इसके लिए मे बी आपको आप अमेज़ोन पर ही चेक कर लो, रिव्यूज़ वगैरह पढ़ो वहाँ पर, तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, कि हमारे पास में जो है वो नहीं हो सकता ऐसा। तो मैं 4K जो प्रोजेक्टर की बात अभी आप लोगों से कर रहा था, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर चला कर कि 4K में क्वालिटी जो है वो कैसी आएगी। अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्टर ले रहे हो, वो 20-25 हज़ार रुपये वाला ले रहे हो तो नहीं, सिर्फ अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्टर लेते हैं, इसको ऑन कर देता हूँ एक बार, ऑन हो रहा है अभी ये, बेस्ट कार सब ऊपर बता सर। तो कार ऑडियो के लिए बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है यार, तो कार ऑडियो वाला कोई जो बंदे हैं उनका वीडियो अगर आप देखो तो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे, क्योंकि तो मेरे को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके कार ऑडियो के बारे में। ये क्या कह रहा है SGMI वो तो लगा तो दी भाई, और कैसे लगाओ चलिए चेंज हो गया यार, याद भी नहीं है किस पर लगाया था, एक मिनट यार ये प्रोजेक्टर की सेटिंग कर दूँ जरा पहले, सोर्स एक्चुअली चेंज हो गया है इसका, मेरे को याद नहीं है। ये भी लेता हूँ यार, किस पे लगाया हुआ है पता नहीं लगे, आई गया फिर याद है उसके लिए मेरे को लाइट थोड़ी कम करनी पड़ेगी पहले, तो तभी पता लग पाएगा आपको। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर देखो जी यह 4K जो है हमारा प्रोजेक्टर वो इंस्टॉल हो गया है, इधर लगा दिया है, ऑन कर दिया है, तो ये मैंने अभी इसकी जो क्वालिटी है वो कर रखी थी कम, तो इसे मैं ले आता हूँ जरा पिक्चर में, यहाँ फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको एक अलग से वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ, इससे कि 4K का आपको सही से पता लगेगा, तो उसके लिए हमें कोई गाना ही बता दो यार कौन सा लगे। तो ये गाना हम जैसे प्ले कर लेते हैं एक बार,
और ये भी है, ये जो आप देख रहे हो ये 4K के अंदर ही चल रहा है, ये भी 4K में इस तरीके की आपको क्वालिटी जो है वो आएगी। बीच में और भी चीज़ें दिख रही हैं तो इसमें पता नहीं लगेगा। और वॉल्यूम जो है वो यहाँ से मैंने एक कम कर रखा है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम यहाँ से भी है। दीदी आप बताइए आप कैसे हो, पर जैसे 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 7.2 AVR सर, चीतस तो 1600 ही है, इससे नीचे तो कोई वाला कोई AVR नहीं मिलेगा आपको, और तो मिनिमम जो है वो यही आएगा, इसी पे यही मिलेगा आपको वहाँ पर। एंड आगे बढ़ते हैं हम। संजय जी नमस्कार, हमें नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैंने अभी यामा RN 80 रेसिवी एम्पलीफायर लिया हूँ, मेरे पास डेन वॉइस स्पीकर है, लेकिन मुझे क्रिस्टल क्लियर आवाज़ चाहिए, तो कौन से स्पीकर यूज़ करूँ जिसका डबल भी क्लियर हो? सर संजय जी बजट क्या है आपका प्लीज़ वो भी बताइएगा एक बार मेरे को, और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना करेंगे तो आप बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी बातें मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा आपसे, तो वहाँ पर आप एक बार ही मैसेज कर बताइएगा, उसके लिए फिर मैं आपको जो बेस्ट स्पीकर आपके प्रोवाइड होंगे वो बता सकता हूँ मैं आपको। तरुण जी कौन सा स्पीकर सर रहे हैं सर? अभी ये जो भी चल रहे हैं ये हैं मेरे फ्रंट जो से वो वार्फाटेल के लगा रखे हैं मैंने, सैटेलाइट स्पीकर ही हैं। सेंटर एंड सराउंड जो सा है वो है मेरा इलेक का, और एटमॉस में फोकल के स्पीकर हैं जो अभी काम कर रहे हैं, और एरिया जो है वो 27 है, एंड जो सब ऊपर है वो ये जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ ये वाला सब ऊपर है वो रेल एकोस्टिक का, ये सब ऊपर है। मिश्रा जी सर आप ऑल ओवर इंडिया होम थिएटर का ऑप्शन प्रोवाइड कराते हो? बिल्कुल सर बिल्कुल करवाते हैं मिश्रा जी। नितिन जी सर मेरे पास लॉजिटेक Z9 है, उसमें इनपुट कौन सा बेटर होगा ऑप्टिकल? ये डिपेंड करता है नितिन जी कि आप क्या चला रहे हो वहाँ पर, अगर आप एक ऑडियो का सुनना चाहते हो, ऑडियो को चला रहे हो मतलब कि ऑडियो के लिए गाने वाने सुन रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका ऑक्स का कनेक्शन है वो भी बेटर रहेगा, बट अगर आप मूवीज़ वगैरह देख रहे हो कुछ कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर ऑप्टिकल यूज़ करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। Do you sell second hand AVR and speakers package? बिल्कुल सर करते हैं, बट लिमिटेड, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि पुरानी आई चीज़ें हर चीज़ बेचनी शुरू कर दें, पूरी तसल्ली करने के बाद में लगता है कि हाँ ये बेस्ट चीज़ है, किसी को देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऐसी कंडीशन में यूज्ड के अंदर भी डील होती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं करते। हर्ट्ज के सब ऊपर कैसे हैं? हर्ट्ज के सर ठीक है, ये भी गाड़ियों के लिए ही आता है, बट मेरी खुद की गाड़ी में भी जो कॉम्पोनेंट है वो हर्ट्ज के लगा रखे हैं मैंने, तो काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं। प्रमोद जी सर Denon 2700 AVR है उसके साथ सेंटर स्पीकर पॉल्स ऑडियो का एक्सपीरियंस चलेगा क्या? सर AVR 2700 तो है, बट बाकी के जो स्पीकर आपने लगा रखे हैं वो वाले स्पीकर्स मेरे को बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि AVR से ज़्यादा डिपेंड करता है आपके बाकी के स्पीकर्स के ऊपर कि वो कौन से हैं, तो उसी हिसाब से हमें सेंटर को मैनेज करना पड़ेगा। सेंटर आप बड़ा ले लो, स्पीकर छोटे हैं, सेंटर बाकी स्पीकर आपने काफ़ी हैवी लगा दिए उसमें सेंटर छोटा लगा दो तो हर तरीके से वो पंगे वाला काम ही होएगा, तो वो प्लीज़ आप एक बार बता दोगे तो अच्छा रहोगे, और इंस्टाग्राम पर भेज दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं डिटेल में आपको जानकारी दे सकूँगी। प्रोजेक्टर स्क्रीन आपको सर चाहिए है अगर, तो प्रोजेक्टर स्क्रीन हमारी खुद की बनती है, मतलब बनवाते हैं हम कंपनी ब्रांड्स हैं जैसे कि उनसे, तो अगर आप नॉर्मली 4K की प्रोजेक्टर लेते हो, साइज पे भी डिपेंड करता है, तो अंदाजन आपको बता देता हूँ मैं कि 120 इंच की 120 इंचेस के अंदर अगर आप 4K वाली लेते हो फिक्स्ड फ्रेम के अंदर, तो वो कॉस्ट करती है आपको 21,000 रुपीज़ की, और इसमें फिर दूसरा मटीरियल भी आता है, अगर वो लोगे तो कई मटीरियल अच्छा भी मिलता है, वो थोड़ा महंगा हो जाएगा, वो इससे कम की भी होती है वो फिर कम हो जाती है, बट एटलीस्ट 4K फैब्रिक जो है वो तो आप लगा कर चलो तो ज़्यादा बेटर होगी। मिश्रा
मिश्रा जी, सर रूम साउंड प्रूफिंग के लिए एक्रोस्टिक फॉर्म यूज़ करें या कुछ और प्लीज़ ये सजेशन। सर एक्रोस्टिक फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि अब आपके रूम में क्या चीज़ की ज़रूरत है। आप अब एक्रोस्टिक फॉर्म अगर ले रहे हो तो वो सिर्फ नॉर्मली आप कहीं पर भी दिल कर रहे हैं आपका लगा दोगे आप, बट जो साउंड होता है ना उसमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आपने सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। कई कई जगह हमें रिफ्लेक्शन भी चाहिए होता है, कई कई जगह पर हमें जो है वो एब्जॉर्वर चाहिए है, कहीं पर डिफ्यूज़र चाहिए हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक डेडिकेटेड रूम जब तैयार करते हैं तो वहाँ पर ये डिज़ाइन होती हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू पता लगता है हमें कि कहाँ पर कौन सा मटेरियल हमने यूज़ करना है वहाँ पर। तो अगर आप एकोस्टिक फॉर्म पर यूज़ कर रहे हो तो वो कुछ भी आप मतलब कि एक अपने हिसाब से नहीं उसे डिज़ाइन कर रहे, आपने भर दिया कमरा भी मान लो पूरा, तो एक क्या हो जाएगा ना एक एको जो बन रहा है बस वो बंद हो जाएगा। बट यहाँ पर दिक्कत भी आ सकती है आपको कि आपकी जो हाइज है वो भी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाएगी, बेस है वो भी एब्जॉर्ब होने लग जाएगा, आपको लगेगा यार बेस क्यों नहीं आ रहा, या हाइज है जो हाइज क्यों नहीं मिल रही, क्लैरिटी नहीं आ रही, कई इशू ऐसे आपको आने हैं। जो एकूस्टिक फॉर्म होती है ना वो नॉर्मली जो यूज़ होता है ना उसका वो होता है स्टूडियोज़ के लिए। मान लो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने क्या है कि मैंने बोलना है यहाँ पर, मैं अपनी आवाज़ जो है वो बता रहा हूँ आपको, तो ऐसी जगह के लिए तो एकूस्टिक फॉर्म जो है वो सही है, क्योंकि उसने बाकी के फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ मेड आवाज़ जो मेरी आ रही है उसने उसी को करना है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा कंसेप्ट होता है ये, मतलब बहुत हम बोलने में बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए कि एकोस्टिक करना है या फिर साउंड प्रूफिंग करनी है, बट एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा होता है, टाइम लगता है, पैसे लगते हैं और प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अजहर जी भाई आपके पीछे SVS प्राइम टावर रखे हैं और इनके भैया प्राइम टावर तो मेरे पीछे भैया कोई भी नहीं रखे हुए यार, ये मेरे ख्याल से आप शायद इनको ये वाले जो ब्लैक वाले हैं इसको मेरे ख्याल से आप आपको वो लग रहा होगा प्राइम लग रहा होगा ये, बट ये प्राइम ये रेवल के हैं, रेवल कंपनी के हैं ये, हटके भी दिखा देता हूँ बस ये जो से है ये वाला, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपको नजर आ जाएंगे सही से, तो ये जो से टावर्स हैं ब्लैक वाले जो से हैं ये हमारे रेवल के हैं, वो नहीं है ये प्राइम नहीं है ये। और सेकेंडली आपका जो इसी के साथ में और आप देखोगे पीछे की तरफ ही, तो जो पीछे वुडन में उसके लिए लाइट आई थिंक ऑन कर देता हूँ मैं आपको तब पता लगेगा, तो वो पीछे जो से आप देख रहे हो ये वाले जो टावर हैं ये इधर पीछे वाले ये हैं हमारे इलेक के, और ये जो से ये वाले आप देख रहे हो टावर ये है हमारे एकोस्टिक के आर्टिस्टिक एकोस्टिक क्या नाम है इसका आर्टिस्टिक ऑडियो के नाम ही भूल जाता हूँ, ये जो है ये रेल का 10 इंच का एक्टिव सबवूफर है रेल एकोस्टिक का, और इसका वेट जो है ना मतलब वजन जो है इसका वो वजन इसका 45 kg है, मतलब 45 किलो का ये सबवूफर है और 10 इंच का ड्राइवर है सिर्फ इसके अंदर, और हिलाना तक मतलब इसको हिलाना तक जो है ना वो भी मुश्किल है इतना भारी है मतलब। तो इसके अलावा और क्या दिखा सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर, चलो पहले तो मैं पढ़ता हूँ उसके बाद में आगे का देखते हैं। तो अभी कमेंट है जी हमारे पास 960 और डेने में 1600 जो है वो ज्यादा बेटर है अगर आप सलाह मांग ही रहे हो मेरी, तो सर पैसिव 3D प्रोजेक्टर आता है क्या? सर पैसिव 3D प्रोजेक्टर का क्या मतलब हुआ? प्रोजेक्टर तो प्रोजेक्टर आता है बस, मतलब इसमें पैसिव क्या हुआ, मतलब पैसिव का क्या मतलब है? स्पीकर थोड़ी है ये भी। दूसरा जी सर सोनी का ऑपरेटर कैसे हैं HDRT वाले? मिश्रा जी देखो ये चीज़ है ना आप पे डिपेंड करती है, मुझे नहीं पता कि आपने क्या क्या चीज़ें देख रखी है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो उनसे वो यही कहते हैं कि भैया सोनी जो उनसे है वो बेस्ट है, बट
हम अपनी बात अगर करते हैं तो हम सोनी को सेल ही नहीं करते, मतलब सोनी के जो होम थिएटर्स वगैरह आते हैं ना ये हम नहीं बेचते हैं, क्यों हमारे पास में हाई एंड ऑडियो का काम है सारा, अच्छी जो से ब्रांड है, मतलब सोनी ऐसा नहीं कि ब्रांड अच्छा नहीं है, बट इंडिया के अंदर जो सोनी आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की चीज़ें वो नहीं देते हैं, तो वो चीज़ हमारी कैटेगरी में नहीं आती है। हमारे पास में आपको और चीज़ें मिलेंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब प्राइस में भी फ़र्क आता है इसमें, बट क्वालिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। शोभित जी हेलो 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 शोभित जी कैसे हैं आप, बहुत टाइम बाद आपका मैसेज आया आज। सिस्टम कैसा चल रहा है सर आपका? तो आगे कमेंट भी नहीं आया है कोई, मैं एक घुट मार लेता हूँ। तो याद करते ही रहते हैं, सिस्टम अच्छा चल रहा है, थैंक यू सर, बस यही है आपकी दुआओं के सारे हम भी चलते रहते हैं। डेनिम 550 बीटी का क्या प्राइस है? आप सर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पर ही कर देना, आपके पास तो नंबर है ही है, तो उसी पे मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा जो बेस्ट होगा। चलेगा भाई लोग मैसेज आते हैं तो सबके एक साथ ये धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू कर देते हैं, जब नहीं आते हैं तो मतलब कहाँ गुम हो जाते हो, सारे प्लानिंग करके जाते हो क्या एक साथ ही निकल लो, जब तक मैसेज वैसेज नहीं आ रहा कोई आपको तो मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो कि आपको यूज के अंदर भी मिल सकती है मेरे पास में, और उनके प्राइजेस भी हैं जो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर एक कमेंट आ गया उसको पढ़ देते हैं, मैसी नंबर 10 और SVS पर क्या फ़र्क है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं सोनी जी। फ़र्क तो देखो कैसे बता सकते हैं इसका फ़र्क, हम कैसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको, दोनों ही यार अपने अपने लेवल पे देखो काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं ये, बट अगर बिल्ट क्वालिटी की बात करते हैं ऐसा नहीं है कि इलेक्ट के सही नहीं है, इलेक्ट के जो सिनेमा 10 है ये बहुत अच्छे मॉडल है, और बाकी अगर इसको प्राइम से हम करते हैं तो प्राइम जो है वो एक बैलेंस्ड स्पीकर है, मतलब उसमें आपको ना हाईज लो मिड सारी बैलेंस मिलती है, बट जो हमारा इलेक्ट सिनेमा है वो ये थोड़ा ब्राइट में आ जाता है, जैसे कोई आवाज़ें होती है ना छनछनाहट की आवाज़ है या तूफान है हवा चल रही है बारिश हो रही है इस तरीके की जो सी आवाज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट के सिनेमा 10 के अंदर, मतलब एक्सेस में चली जाती है, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा हमें चुभना भी शुरू हो जाता है, तो उसको अगर हम कंपेयर करते हैं पैराडाइज से इलेक्ट सॉरी SVS प्राइम सैटेलाइट से तो उस कंडीशन में जो उनसे प्राइम सैटेलाइट हैं वो बेटर रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो स्पीकर भी जो उनसे है वो सही नहीं है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं यार वो बहुत बढ़िया। क्लिप्स रेफरेंस 625 आर होम थिएटर का, सर मेरे को ऐसे प्राइस याद नहीं रहते हैं, आपको प्राइजेस के लिए इंस्टाग्राम पर ही बात करनी पड़ेगी, वहाँ मेरी टीम आपको जवाब दे देगी जो भी बेस्ट प्राइस होगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में याद नहीं रहता है प्राइजेस वगैरह का, इतना दिमाग मेरे में है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मैंने पास होता था मैं। मिश्रा जी सर आपके पास कौन सा प्रोजेक्टर अवेलेबल है और उसका रिगार्डिंग सबसे बेस्ट प्रोजेक्टर कौन से मार्केट में? सर मेरे पास में मिश्रा जी आपको मिल जाएगा
इप्सन है, इप्सन के मॉडल्स हैं वो मिल जाएंगे, ऑप्टिमा है मिल जाएगा, और व्यूसोनिक है व्यूसोनिक मिल जाएगा, एंड बेंक्यू मिल जाएगा, और अगर आप हाई एंड में जाती हैं तो जेबीसी है, जेबीसी मिल जाएगा, और सोनी है, सोनी मिल जाएगा, सोनी सिर्फ मगर एक्चुअल 4K के अंदर, दूसरे छोटे वाले प्रोजेक्टर नहीं मिलेंगे, वो मिल जाएगा। तो ये सभी जो हैं ब्रांड्स हैं अवेलेबल हैं, तो इनमें से आपको मैं कोई भी प्रोजेक्टर जो भी आपको चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ, और प्राइजेस भी जो उनसे हैं वो भी बहुत अच्छे में दे दूँगा मैं आपको। शोभित जी टेनोई सब ऊपर अवेलेबल है? नहीं सर बिल्कुल नहीं है, वो तो देखने को ही नहीं मिला उसके बाद में, मेरे को तो गलती लग गई मैंने कि बाकी के डीलरों को दिया, इसलिए वो गलती हो गई मेरे से। सर डैनन का देखो प्राइस पहले काफ़ी कम चल रहा था, अभी उसके प्राइसेज जो इंक्रीज हो रहे हैं, अभी हो भी गए हैं और हो भी रहे हैं, तो अभी का जो सर रेट है वो 65,000 है, बट ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा, MRP तक पहुंच जाएगा ये, मतलब 80,000 तक इसका रेट अभी पहुंचेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ पहले कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं यूज़ के अंदर, तो उसके लिए कैमरा बदल सकते हैं क्या, चेंज हो सकता है ना, या ये देखो लो जी, ये फ़िलहाल जो सेटअप मैंने अभी कर रखा है वो ये वाला सेटअप है, तो ये 2700 नंबर है डैनन का ही, बट ये सेल के लिए नहीं है। स्टीरियो में अगर आप जाओगे तो डैनन का ये मॉडल है, स्टीरियो में मिल जाएगा आपको, टू चैनल स्टीरियो एम्पलीफायर है ये, और इसके नीचे आप देख रहे हैं ये कार्वर का एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर टू चैनल का, और ये जो सा है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीफायर होता है। जैसा आपने नॉर्मली सुना होगा कि जो एम्पलीफायर हैं वो क्लास डी आते हैं, ए आते हैं, ए बी आते हैं, तो ये जो उनसे अलग कैटेगरी में होता है, ये मैग्नेटिक वो होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक करंट को ट्रांसफ़र करके सिग्नल को बूस्ट करता है, मतलब तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट में आ जाता है। इसी के बाद में यहाँ पर इलेक का ये सेंटर स्पीकर है, इसको मैंने खड़े पे रखा हुआ है, मगर खड़ा रखना नहीं चाहिए, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए रखा हुआ है, तो ये भी सेल के लिए ये है। यहाँ पर आप आएंगे ये हाई एंड के अंदर में अल्कामिस्ट है, अल्कामिस्ट का प्री एंड पावर है, तो ये भी आपको मिल सकता है यूज में, तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 1,85,000 रुपये अगर आप पुराना खरीदते हो, नया जो सा है वो अबव 20 लाख के आसपास है। ये जो है ये रेवल के स्पीकर्स हैं, हाई एंड स्पीकर्स में आ जाते हैं, हाई एंड कैटेगरी के अंदर आता है ये, तो ये ब्लैक वाला जो सा है ये आपको मिल सकता है 1,60,000 का, 1,60,000 रुपये का पेयर है इसका। इसके पीछे आप देख रहे हैं वो इलेक का FS सीरीज़ है यूज़ के अंदर ही है, ये भी ये आपको मिल सकता है, ये आपको 35,000 का मिल सकता है। यहाँ पर वार्फाडेल का सैटेलाइट स्पीकर्स हैं, ये एक यहाँ पर है एंड एक वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ लगा हुआ है, तो ये भी मिल सकते हैं आपको, और ये आर्टिस्टिक ऑडियो के मोबियस मॉडल है इनका, ये मिल सकते हैं 90,000 रुपये के, ये दो स्पीकर आपको मिल जाएंगे पुराने। ये जो है ये हमारा रेल एकॉस्टिक का 10 इंचेस का एक्टिव सबवूफर है, बहुत पुराना मॉडल है ये भी आपको मिल सकता है, ये आपको पड़ता है 45,000 रुपीज़ का पुराने के अंदर, और रेल के जो उनसे हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वो कुछ मैसेजेस भी आए हैं, मैं एक बार वो भी देख लेता हूँ। भाई यूज़ में कौन सा सबवूफर अवेलेबल है? यूज़ के अंदर सर कुछ खास नहीं है अभी, तो नया ही होगा अभी तो जो होगा। सर 15x12 रूम में होम थिएटर सेटअप 5 लाख। सर आप इंस्टाग्राम पर प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको कोटेशन बनाकर दे देंगे हम। ये जस्ट थिंक जी आपके लिए मैसेज रिप्लाई है। राहुल जी भाई आई हैव अ पैसिव सबवूफर। नहीं सर पैसिव सबवूफर आपका 2700H में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको एक पावर एम्पलीफायर अलग से और कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्रॉसओवर का भी ऑप्शन दिया हो। मिश्रा जी सर सिनेमा हॉल में कौन से प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं, कुछ आइडिया है? सर सिनेमा हॉल के अंदर हमारे ये वाले प्रोजेक्टर नहीं होते, रील प्रोजेक्टर होते हैं 9mm वाले, तो वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्टर होता है वो, तकरीबन एक कमरा होता है पूरा, वो पूरा कमरा के अंदर में कई चीज़ें जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा एक प्रोजेक्टर बना होता है। वो मैं वीडियो लाऊंगा आपके लिए उसकी भी एक बार, कि थिएटर में किस तरीके से इंस्टॉलेशन की होती है, जहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन करी हुई है थिएटर्स के अंदर जो मल्टीप्लेक्स होते हैं वहाँ पर, तो वो भी मैं आपको किसी दिन वीडियो जाऊँगा तो बना कर लाऊँगा वहाँ का। अमित जी मेरे पास में पॉल का ऑडियो का DSO 650 12 इंच सबवूफर यूज़ कर रहा हूँ, और इसका बेस मेरी सेटिंग पर तो बेस्ट आता है, पर रूम में काफ़ी कहीं इसका बेस कम लगता है। सर इनमें देखो आप जो भी होम थिएटर यूज़ करते हो ना अगर, तो होम थिएटर जो उनसे ना वो हमारी सिटिंग के लिए बना होता है कि हमने एक जगह बैठकर उसको देखना है। अगर आपका सबवूफर आपकी सिटिंग पर बेस सही दे रहा है इसका मतलब वो पूरा प्रॉपर अपना काम कर रहा है, वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है इसका मतलब।
आरएमएस और पीक पावर में क्या डिफरेंस होता है? सर आरएमएस जो सी है वो एक्चुअल पावर होती है, पीक पावर होती है जो कि कुछ सेकंड्स के लिए या मिनी सेकंड्स के लिए हमारा एम्पलीफायर या हमारा स्पीकर हैंडल कर सकता है, जिसको उसको हम पीक पावर बोलते हैं। विश्वजीत जी, अमित भाई, यूज्ड स्पीकर्स एंड न्यू स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी में कितना अंतर आता है? कितने साल बाद साउंड क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाती है? सर ऐसा स्पीकर्स के अंदर में ऐसा इशू नहीं होता, उल्टा की बहुत बारी ऐसा देखा जाता है अगर आप यूज स्पीकर खरीदते हो ना तो उसकी जो आवाज़ है वो उल्टा ज़्यादा अच्छी आती है अकॉर्डिंग टू नए के हिसाब से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चल चुके होते हैं, वो अपनी एक एक्चुअल परफॉर्मेंस देने में ढल गए होते हैं कि हाँ जो एक बर्निंग टाइम होता है हमारा स्पीकर्स का वो कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो उल्टा आवाज़ जो सी और ज़्यादा बेटर मिलती है हमें। सर आपकी नॉलेज देख के मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन अस। मिश्रा जी आपके लिए था ये मंजुनाथ जी, सर क्लिप्स 10 इंच सब ऑफर प्राइस? सर 10 इंचज़ में क्लिप्स का अभी 120 मिलता है 10 इंचज़, पता करना पड़ेगा मुझे भी, तो प्राइस तो याद नहीं है मुझे, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज छोड़ दो वहाँ से आपको रेट मिल जाएगा। सर कैम्ब्रिज ऑडियो मिनी मिक्स 12 एंड 22 का फीडबैक कैसे है? सर सही है, अच्छा है, बट इससे ऊपर के काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपको। राहुल सिंह जी, माई प्लीज सजेस्ट फ्यू एम्पलीफायर विद क्रॉसओवर फॉर कनेक्टिंग पैसिव सबवूफर। सर इसमें आपने अगर सबवूफर के साथ में कनेक्ट करना है उसको, तो यामाहा सॉरी JBL क्राउन है, जो क्राउन के आते हैं 1502 मॉडल है आई थिंक, तो उसमें क्रॉसओवर सेटिंग भी आपको साथ में दी गई होती है, तो वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। तो एंड यहाँ पर ये जो है ये देखिए, ये प्रोजेक्टर था जो अभी हमने प्ले किया था, ऑप्टोमा का प्रोजेक्टर है ये 4K के अंदर, एंड जो आप 20-25 हज़ार वाले प्रोजेक्टर कह रहे हो वो ये होते हैं इस टाइप से, तो ये उतनी आपको आवाज़ क्वालिटी नहीं देते जैसा कि ये है, ये मेरे ख्याल से 25 हज़ार या ऐसे ही कुछ है इसका रेट, इसका जो प्राइस है, और कुछ इस तरीके के आते हैं भी मिल जाता है। बाकी ये सराउंड के स्पीकर्स हैं इलेक के, ये भी सेल पे ही हैं, 25,000 पेयर का पेयर है इनका, एक वहाँ पर है एंड एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये ऊपर जो से आप देख रहे हो ये फोकल सिप मॉडल है, तो ये मैंने लगा रखे हैं के लिए अपने। सर बॉस 700 का स्टॉक है आपके पास? नहीं सर बॉस हम सेल नहीं करते, सॉरी सर। गूगल पे सर्च करके देखो स्पीकर्स हैं 60 वॉट। क्या सर्च करना है अजहर भाई, मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं है आपने क्या सजेस्ट क्या क्या पूछा था, मतलब क्या किया था। तो ये हमारा एक दूसरा वाला रूम है, यहाँ पर जैसा कि ये पैराडाइम के मॉनिटर सीरीज़ के बहुत अच्छे स्पीकर हैं, ये भी यूज़ के अंदर ही हैं, ये मिल सकते हैं, और बाकी का ये हैं मॉन्स्टर स्पीकर्स हैरेट्स के, तो इनकी हाइट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब कि मैं जैसे खड़ा हूँ तो तकरीबन मेरे कान तक ये जो उनसे स्पीकर हैं ये आ जाते हैं, और मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंचेस, तो इनकी आप हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी हाइट है इनकी। और जो दो स्पीकर वारफर डेल के हमने अंदर लगा रखे थे उसके दो पीस ये जो और हैं यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे तो ये सेंटर स्पीकर है हमारा मार्टिन लॉगन का इलेक्ट्रोस्टेटिक, ये डेफिनेटिव का है, ये बॉस के स्पीकर हैं, ये सराउंड स्पीकर हैं अभी उसके किसके हैं ये JBW के, ये विंटेज के अंदर में हमारे मॉनिटर स्पीकर्स हैं JBL के, ये फोकल का सिप मॉडल हैं, ये हैं हमारे सोनी के यूज़ के अंदर ही हैं बुकशेल स्पीकर्स, एंड ये आप जो देख रहे हो पतले पतले से ये हमारे मैग्ना पेन के स्पीकर्स हैं, रेबन स्पीकर हैं ये, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर आते हैं ये। ये बुकशेल्फ हैं हमारे मिराज के, ओमनी डायरेक्शनल बुकशेल्फ होते हैं ये, ये है हमारा पोल्को ऑडियो के FX A6 मॉडल, ये बाइपोलर एंड डायपोलर दोनों का ऑप्शन इसमें हमें मिल जाता है, ये है पोल्को ऑडियो T15, ये पावर एम्पलीफायर है लिन का, और क्या है यहाँ पर, बस यही है सर जी, यहाँ तो दिखाने के लायक और तो कुछ नहीं है। ये एक सेंटर स्पीकर है वारफर डेल का, इसका जो साइज़ है वो आप अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा है ये, मतलब ये हाई एंड सेंटर है इनका वारफर डेल का, और तो कुछ नहीं है यहाँ दिखाने के लिए मेरे पास में आपको। ओके तो मैं अंदर आ जाता हूँ, बाकी ये रूम है हमारा, जिन्होंने नहीं देखा, कुछ लोग हो सकता है नए हो अंदर, तो ये हमारा रूम है, ये कुछ पिक्चर्स लगा दी थी, ये मेरे PS4 की गेम्स है सारी, और इस तरफ आप देखोगे तो ये सारी 4K मूवीज़ वगैरह हैं, 4K के सॉरी 4K कह रहा हूँ ब्लू रे के अंदर,
मतलब 4K भी हैं इनमें और दूसरी भी हैं, मतलब सारी अच्छी क्वालिटी की है, ये ओरिजिनल ब्लू रेज है मतलब, ये तो क्वालिटी तो सही देंगी देंगी। और इसके अलावा बस यही है सर हमारे पास, और कुछ नहीं। बाकी ये कुछ कूड़ा वड़ा सा पड़ा, मतलब कूड़ा नहीं है वैसे, ये एक्चुअल है, ये डेनन का एम्पलीफायर हाई एंड मॉडल है, ये 9.2 चैनल, बहुत अल्टीमेट मॉडल है ये। ये हमारा बॉस का कॉन्सोल है जो कि हमारा यूज़ होता है 5.1 चैनल के अंदर ही। बस यही है हमारा, तो इसको मैं दोबारा से रखा हूँ अपने स्टैंड पर फ़ोन को, और फिर से आपके साथ जाता हूँ। वापिस जगह पर, तो यहाँ पर हो सकता है यार कमेंट्स वगैरह छूट गए हो, तो प्लीज़ आप दोबारा बता दीजिएगा मुझे, तो जो मुझे दिख रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। किशोर जी, साउंड इज़ नॉट कमिंग राइट। बिल्कुल सर किशोर जी, एक्चुअली माइक नहीं है मेरे पास में, माइक कनेक्ट नहीं कर रखा मैंने अभी तो इस वजह से जो साउंड है वो सही नहीं आ रहा है। मैं इसको थोड़ा पास ले आता हूँ जिससे कि थोड़ी आवाज़ जो सी है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मे भी हो सकता है कि अब जो आवाज़ है वो आपको ठीक आए। ये क्यों हिल गया बेटा? ओके, तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा आवाज़ में आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, बट नॉट श्योर। माइक नहीं है यार, एक्चुअली माइक मेरा जो है ना वो मेरे टूल बैग जो है ना उसी के अंदर रह गया, तो वो मेरे पास अभी यहाँ पर है नहीं मेरा बैग। मिश्रा जी, सर 25,000 का प्रोजेक्टर लेना वर्थ है, ज़्यादा बजट नहीं है? सर देखो, अगर तो बजट ही नहीं है तो हमारे पास में और कोई चारा ही नहीं बचता कि हम क्या करें। बाकी यही कहूँगा कि अगर 25,000 का कोई भी प्रोजेक्टर अगर आप ले रहे हो तो मेरे हिसाब से उसको पहले आप एक बार कहीं से डेमो मिल जाए उसका, या कोई यूज़ कर रहा है तो आप उसका देख लो, तो वो देख कर अगर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको लगे, मतलब आपको पता लग जाए कि हाँ आप जो चीज़ ले रहे हो वो आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। अंकित जी, यामा की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है भाई? सर सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस अभी नहीं मिल रही है ढंग से, इसलिए तो फिलहाल के लिए यामा को बेचना बंद किया था। प्रभात रिजल जी, हेलो मेरी, हेलो कैप्टन साहब कैसे हैं? आपका मैसेज सर आ गया, मतलब आप अभी शिप पर नहीं है, आप यहीं हैं मेरे ख्याल से, हैं इंडिया में ही है मतलब आप। भावेश जी, हाउ आर यू? बहुत अच्छे सर, आप बताइए आप कैसे हैं? टेक जी डी, सर पाइनियर VSX 323K, ओके, एंड स्पीकर और यामा 60 वर्ड्स ऑफ ऊपर गुड कॉम्बिनेशन। सर यूज में ले रहे हो तो ठीक है, अगर नया का उम्मीद कर रहे हो तो पाइनियर मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा लेना, और यामा का सब ऊपर भी जो है वो भी ठीक है, अगर नॉर्मल रेंज के अंदर आप जाना चाहो तो ठीक है वो, मतलब मेनली बजट के ऊपर देखो डिवाइड डिपेंड करता है सब कुछ यार, कि आपका बजट क्या है। ब्रिजेश जी, पॉल्क T600 कैसे हैं? अच्छे स्पीकर हैं सर, हैं एंट्री लेवल के स्पीकर हैं, बट इस टाइम के हिसाब से अगर लगाए तो बहुत अच्छी सेल भी इनकी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं, मतलब बढ़िया स्पीकर हैं काफ़ी ज़्यादा ये। जस्ट थिंक सर एस वी एस के सब ऊपर और स्पीकर्स का स्टार्टिंग और बेस्ट कौन सा होता है?
स्टार्टिंग तो सर इनकी प्राइम सैटेलाइट से ही आती है, और सब बुफर्स के अंदर में आप SP 1000 आता है इसका स्टार्टिंग रेंज के अंदर, तो ये दो मॉडल आपके स्टार्टिंग में आ जाते हैं इसमें। वीरेंद्र सिंह जी सर काइंडली सजेस्ट 5.1 होम थिएटर फोर प्रोजेक्टर अराउंड 50,000। सर 5.1 पैकेज अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको सर थोड़ा सा बजट और बढ़ाना पड़ेगा अपना, तकरीबन 70-75 तक जाना पड़ेगा एक अच्छे सिस्टम के लिए। प्रभाज राय जी ऑल गुड, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू सर। माई क्वेश्चन हाउ फार एटमॉस स्पीकर शुड गो टू द साउंड स्पीकर। सर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देना पड़ेगा आपको इनके अंदर तो, क्योंकि जो एटमॉस के स्पीकर्स आपके लगने हैं वो आपके छत पर लगने हैं, ऊपर लगेंगे तो जो जो आपके सराउंड स्पीकर्स हैं वो तो बिल्कुल आपके एयर लेवल पर आएंगे, तो उसमें तो डिस्टेंस मेरे हिसाब से कम भी अगर लगाते हैं तो कुछ 7 फीट का, 6 से लेके 8 फीट का तो डिस्टेंस आएगा ही आएगा आपका। तुषार जी पैराडाइम मॉनिटर SE 3000 का परफॉर्मेंस कैसा है? बढ़िया है सर जी, अच्छी चीज़ है ये, पैराडाइम के स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आते हैं, अच्छे स्पीकर्स आते हैं पैराडाइम के। राहुल सिंह जी इलेक डिब्यूट B6.2 के जैसे अदर स्पीकर सजेस्ट कीजिए, बजट 30,000। सर 30,000 के आसपास अगर आप जा रहे हो तो यार यही इलेक का 6.2 आ गया, या फिर आप बॉल्क ऑडियो का सिग्नेचर सीरीज में जा सकते हो, S20 है वो ले सकते हो, और पैराडाइम का एटम आता है इसमें मॉनिटर, एटम मॉनिटर को पूरा याद नहीं है क्या था नंबर, तो वो भी 6.5 इंचज में ही आता है, तो एटम सीरीज के अंदर वो ले सकते हो, वो भी इसी के आसपास का रेट है उनका भी। तो बाकी ये 2-4 मॉडल जो हैं वो, बाकी फिर कॉस्ट अगर आप बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। जितेंद्र जी आई हर्ड या JBL 9.1 एज यूज, इट्स गुड बट इट्स ऑल वन, इट्स ऑल बूम 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 एंड नो वॉइस क्लैरिटी, आई एम वेटिंग फॉर यूर रिजल्ट। जितेंद्र जी वो तो यार मैंने देखो, मैं हमेशा ही ये चीज़ बोलता हूँ, और मैं यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको भी बताना चाहूँगा कि ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ या कुछ है, मेरा जो सजेशन है ना वो कभी गलत नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर मैं एक चीज़ के बारे में कुछ आपको बता रहा हूँ ना कि ये चीज़ में आपको ये वाली कमी मिलेगी, तो वो आपको कमी 100% उसमें मिलेगी ही मिलेगी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो सी है इसमें ये प्लस पॉइंट है, ये चीज़ अच्छी है, तो 110% की श्योरिटी होती है कि वो चीज़ आपको वैसी ही मिलेगी जैसी मैंने बताई होगी आपको। तो ये जो JBL की आपने डेमो जिसका लिया है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये दिक्कत जो सी है इसमें आपको फेस करनी पड़ेगी, तो अब आपने उसको किया है तो आपको पता लगी क्या होगा। प्रभात जी थैंक यू सर, थैंक यू, आप थैंक यू जो करे, आप हुक्म कर रहे हो आप हमारे को। ब्रिजेश जी डिफरेंस बिटवीन 10 and 550 एंड 250। सर 250 जो है वो 5.1 चैनल है, जो हमारा 550 जो सा है वो 550 जो है वो हमारा 5.2 चैनल है, एंड 250 जो सा है वो 5.1 चैनल है। थोड़ी सी वॉटेज का फ़र्क है, 550 की वॉटेज थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड इसके अलावा डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है हमारा जो 550 है, एंड 250 जो है वो नहीं करता है, यही बस फ़र्क है 2-4। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन असेंबल 5.1 एम्पलीफायर? सर कुछ नहीं होता ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें होती हैं कि असेंबल कर रहे हैं। आप मेरे को छोटी सी चीज़ एक बताओ कि असेंबलिंग जो हम करते हैं ना वो हम कर सकते हैं हार्डवेयर को लेकर, कि हमने अलग अलग सामान जोड़ के बना दिया, तो एक हमने पांच चैनल का एम्पलीफायर तो हम बना सकते हैं, बट उसको डिजिटल रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी AVR आते हैं इनके अंदर में प्रोसेसर लगा होता है, उनका फर्मवेयर होता है, अपडेट किया होता है उनको, उसके अंदर डेटा डाला होता है, तो ये जो भी डेटा डालना ये वो चीज़ें ये हमारे पास की नहीं, हमारे पास कोई इसका कोई जुगाड़मेंट नहीं है, ये कंपनी ही कर सकती है। तो ये जो 5.1 ये जो बेचते हैं असेंबल, क्या दूसरा है ये जो होता है ना हमारा असेंबल किए हुए, इसमें ये चीज़ कभी आपको मिल ही नहीं सकती। 5 चैनल का एम्पलीफायर होना एक अलग बात है, 5 चैनल का एक डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करने वाला एम्पलीफायर होना एक अलग बात है, तो नहीं हो पाता वो वाला परफॉर्मेंस आपको कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता वहाँ पर। बैंग एंड ऑप्शन के टॉपर स्पीकर्स भी
नहीं नहीं अदर जी, ये तो मैं समझ गया आपको, ये मॉडल तो मेरे को पता है, मैंने यूज़ कर रखे हैं, ये कैसे हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है अजहर जी सिर के लिए। हाँ तो मेरे को आप इनकी है ना एक बार उस पर इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो वगैरह थोड़ी सी डाल देना इसमें, और क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो आप वो भी बता देना मेरे को, तो देख लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। और तो लोकेशन वगैरह जो भी है आपकी कहाँ से है वो भी बता देना। अमित भाई गाने के साथ आपके बाजू वाले टैटू की नागिन भी डांस कर रही है, कंट्रोल कीजिए। गाने के साथ सर कौन से वाला गाने के साथ? एंड नागिन नहीं है भाई, ये ड्रैगन है, बेइज्जती मत करो इसकी यार, इतनी मुश्किल से इतनी दर्द सहन करके बनाया मैंने, देखो ये ड्रैगन है, ये नागिन नहीं है ये। अरे कितनी दर्द सही थी मैंने इसके लिए यार, आप मजाक उड़ा रहे हो, बताओ यार, घर वाले तो उड़ाते ही थे, आपने भी उड़ाना शुरू कर दिया, मजाक कर रहा हूँ बस। हाय गुरु जी वापिस आ गए, कहाँ कहाँ गए थे? सर मैं गया हुआ था गुजरात, पहले रोहतक में ही थे, पहले तो यही हरियाणा में, उसके बाद में गुजरात का था विजिट था गुजरात का, तो वहाँ पर चले गए थे, वहाँ पर सारा सेटअप वगैरह देख कर आए हैं एक थिएटर रूम बनाने के लिए। और मे बी आप भी शायद गुजरात से ही हो वैसे, है ना? यूज्ड में सेंटर स्पीकर है, यूज्ड के अंदर सेंटर स्पीकर यूज्ड में यार कोई है तो सही, एक तो वर्फाडेल का हाई एंड में है, अगर वो लेना चाहो वो मिल सकता है आपको, और एक दो मॉडल हैं जो उनसे उसमें रिव्यू यूनिट पड़े हुए हैं, तो वो भी अगर लो तो वो भी मिल सकता है, टॉप ऑडियो वगैरह का, वो एक बार देखना पड़ेगा मुझे कौन कौन सा मॉडल है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो वो तो दो मिनट के लिए गया था बस, उठ के उसी टाइम आ गया बस, वो तो इतनी देर कहाँ लगती है, वो सामान दिखा रहा था मैं वहां पर अंदर बार का जो उनसा लगा रखा था हमने बस। हाँ भाई हाँ मैं भी गुजरात से हूँ, राजकोट से, हाँ वही मेरे को अभी ध्यान में आया ना, मैं भी गुजरात में ही गया था यार, सूरत में गए थे मगर। राहुल जी अमित भाई जी राम राम, राम राम राहुल जी, कैसे हैं आप? खाना खाने गया था, मेरी बात खराब, ओके 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 सर ओके ओके, मैंने सुना मेरे को कह रहे हैं, हाँ तो आप तो खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो करो आनंद परमानंद, बीच की बात मैं यहाँ बोलने नहीं चाहूँगा। तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास में यार, उसके बाद में हम भी इस सेशन को क्लोज करेंगे और अपने पापी पेट को शांत करेंगे। JBL 5.1 साउंड बार का परफॉर्मेंस कैसा है? सर अगर साउंड बार के हिसाब से चलोगे तो अच्छा है, अगर सेपरेशन की उम्मीद कर रहे हो तो नहीं है, और अगर होम थिएटर से कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं है। अजहर जी भाई मॉडल बताओ सेंटर स्पीकर का, अब यार वो मेरे को याद नहीं है अभी ऐसे, मैं आपको बाद में उसको एक बार आप मेरे को मैसेज कर देना उस पर इंस्टा पे, तो मॉडल भी बता दूंगा प्राइस भी बता दूंगा, मेरे को याद नहीं है ऐसे, बिल्कुल दिमाग में नहीं है मेरे। ओके भाई अमित भाई गुड नाइट, गुड नाइट चौबीस जी। राहुल सिंह जी इज 2700 AVR द चीपेस्ट एंड बेस्ट 8K रिसीवर है नंबर, बिल्कुल सर जी, सबसे चीपेस्ट मॉडल 8K के अंदर में अभी 2700 ही आ रहा है, और सर आपको अगर आई एम गेटिंग ब्रांड न्यू 27, अगर आपको 68,000 का 2700 नंबर मिल रहा है तो वो सर श्योरिटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि वो नया नहीं है, वो रिव्यू यूनिट होगा या वो डेमो का यूनिट होगा, इस तरीके से होगा, वो नया जो सा है वो आपको इस रेट पर मिल ही नहीं सकता कभी। तो त्रिवेदी जी के आए हैं 29 रुपये, धन्यवाद त्रिवेदी जी इसके लिए, 6 रुपये और डाल के पेप्सी आ जाएगी मेरी इसमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पेप्सी से याद आया पेप्सी दे ही आऊँ ना। और
और आज तो यार आपने कुछ पूछा भी नहीं और पैसे भी डाल दिए, ये क्या बात होती है? सर जी आज जो इंस्टाग्राम पे गिवअवे का पोस्ट किया है वो ये वो क्या है सर? वो इंस्टा उस पर अभी गिवअवे ही एक लेकर आ रहे हैं, अभी थोड़े दिनों में आ जाएगा। अभी कंपनी ने मेरे को रूल्स और रेगुलेशन जो है उनकी जो शर्तें हैं वो बताई नहीं है, तो दो यूनिट आएंगे ये वाले इसके लिए। एक्चुअली में ये हुआ क्या था कि मेरे को रिव्यू के लिए बोला था, तो उसमें जो पैसे हम कंपनी से लेते हैं रिव्यू के लिए, तो उसमें मैंने कंपनी से बात हुई थी कि मैंने कहा ये आप मेरे को और पैसे मुझसे ले लो और ये यूनिट जो से वही मैं रख लूँगा अपने पास में, और मैं अपने एक ऑडियंस को ये गिव अवे करना चाहता हूँ। तो कंपनी वालों को भी थोड़ी सी शर्म आ गई होगी आई थिंक, तो उन्होंने भी मेरे से ये कह दिया कि ठीक है आप एक काम करो आप इस यूनिट को रख लो एज अ गिव अवे करना है अगर आपने, तो एक यूनिट हम आपको और दे देंगे एक्स्ट्रा, तो आप उसको चाहे आप रख लो चाहे आप गिव अवे कर लो वो आपकी मर्जी है। तो मैंने दो यूनिट आने हैं तो उसमें मैंने दोनों ही, मैंने सोचा था कि दोनों ही गिव अवे में डाल देते हैं क्योंकि अपना क्या जा रहा है उसमें, अपना तो कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। हाँ जो कमाई होनी थी वो वाली नहीं होगी बट नुकसान कोई नहीं होगा, तो इस चक्कर में वो गिव अवे में डालने हैं। गुरु जी पेप्सी मत पिया करो यार, बड़ी कोशिश करता हूँ भाई सच बता रहा हूँ त्रिवेदी जी, मगर छूटती ही नहीं है, पता नहीं कि ऐसा वो चस्का पड़ गया या क्या दिमाग के अंदर बैठ गया ना ये, कोई नहीं पता है। तो टॉयलेट क्लीनर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। सर मेरे पास यामा ये वाला मॉडल है। अच्छा जी चालू नहीं हो रहा है तो ये कहाँ ठीक हो सकता है? सर कहाँ पर रहते हो आप? जी अमित जी मेरे पास आरकेम A19 स्टीरियो एम्पलीफायर है, आई वांट टू सेल इट एंड बाय अनदर स्टीरियो एम्प, कैन यू सजेस्ट गुड स्टीरियो एम्प? जी सर मैं ये रियाज जी मैं आपको ना आप मेरे को एक मैसेज छोड़ दो व्हाट्सएप पर, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा एक बार ही ऐसे, क्योंकि माइंड में नहीं आएगा मेरे एकदम से, तो कुछ एनी गलत मॉडल बता दूँ आपको, तो उससे अच्छा यही है आप मेरे को व्हाट्सएप पर ही एक बार मैसेज कर देना। प्रदीप कुमार जी भाई प्रोजेक्टर पे HDMI ARC नहीं होती तो एटमॉस कैसे सेटिंग करें? तो प्रोजेक्टर में सर जी सेटिंग करनी किस लिए आपने? उससे हमने क्या लिया, हमने प्रोजेक्टर को सिर्फ वीडियो के लिए रखना है, बाकी का जो उनका सारा काम है वो हमारा AVR करेगा, तो AVR के अंदर में आपको डायरेक्ट एटमॉस का फीचर मिल ही रहा है, तो आपने जो भी लगाना है उसमें सोर्स वगैरह वो आप सीधा अपना डायरेक्टली AVR पे लगाओ, और प्रोजेक्टर में सिर्फ HDMI आउट जो है वो प्रोजेक्टर पर भेजो, तो प्रोजेक्टर ARC है नहीं है, ARC है नहीं है उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। त्रिवेदी जी आज कोई क्वेश्चन नहीं, आप आराम कीजिए, बहुत परेशान किया है मैंने आपको पूछ कर। नहीं भैया पूछ कर कोई परेशानी नहीं है, हमें तो उल्टा मुझे तो मज़ा आता है सच बताऊं तो आपके सवालों के जवाब देने का, क्योंकि ना इसमें कई चीज़ें हैं ना मेरी भी इम्प्रूव हो जाती हैं, जो चीज़ें मैं मतलब मेरे माइंड से निकलनी शुरू हो जाती है ना कि मैं भूलना शुरू हो जाता हूँ जिन चीज़ों को, तो आप बहुत सी बार ही उन्हीं का सवाल आ जाता है, तो वो जो है वो मेरे को भी एक तरीके से ना दोबारा रिफ्रेश हो जाती है, वो मेरे को भी याद आ जाता है दोबारा, हाँ भाई मेरे को इस बारे में पता है। आगे हैं जी अजहर जी भाई पीसी से डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट मिलेगा या नहीं? नहीं सर 1.4 वर्जन है तो नहीं मिलेगा सर, उसके लिए 2.0 वर्जन आपका पोर्ट होना चाहिए तो मिलेगा आपको। जैसे मैं लैपटॉप मैंने बताया मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो HDMI पोर्ट का वर्जन है जो लैपटॉप का वो 2.0 है, तो वो ट्रांसफ़र करता है उसको। राहुल जी अमित जी सेकंड हैंड में स्पीकर पैकेज है कोई Denon 250 BT के लिए? राहुल जी सेकंड हैंड के अंदर में Denon का ही मिल जाएगा एक 5.1 चैनल का पैकेज, तो मैं थोड़े कल देखता हूँ, कल उसकी एक बार अभी ओपन नहीं किया मैंने उसको, तो ओपन करके एक बार उसकी क्या कंडीशन है क्या है तो वो देख दूख कर एक बार ही कल इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा उसको, तो आप एक बार चेक कर लेना। टैटू 16 जी सर रेल सब ऊपर का जो आपके पास पड़ा है, हाँ जी सर रेलेक सब ऊपर का टैटू 16 जी क्या चीज़ जानना चाह रहे हो आप रेल सब ऊपर के बारे में?
भूषण जी सर, यामा रिसीवर सेंटर और सर मेरे को ना आप एक मैसेज भेज दो यार उस पर इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपको एड्रेस सर्च करके उसमें देख लूँगा अपने उसमें सिस्टम पे, तो उसमें एड्रेस वगैरह दिए होते हैं, तो वहाँ से देखकर आपको मैं बता दूंगा अपनी लोकेशन और आपका जो मॉडल है वो भी बता दीजिएगा एक मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पर भेज देना, वहाँ पर मेरी टीम जो थी आपको रिप्लाई करके एड्रेस सेंड कर देगी। और त्रिवेदी जी भाई कुछ करंट प्रोजेक्ट्स के वीडियो आने वाले के लिए उसका क्या हुआ बोल रहे थे, मैं ट्विटर रूम का टूर करूँगा जितने मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। यार मेरे पास सच्ची बताऊँ ना तो अभी टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि अभी जो मेरा काम चल रहा था ये दो थिएटर रूम का ही था, एक जो सा था वो हरियाणा में था और एक जो है वो सूरत के अंदर था, तो अभी वही सूरत वाला तो अभी चल ही रहा है काम, तो उसी में लगा हुआ था, तो पुराने वालों के पास तो जाने का टाइम ही नहीं मिला और नए वालों की भी वीडियोज़ वगैरह मैंने एक्चुअली में अभी कोई बनाई नहीं ऐसी, बट करना है ये कॉन्सेप्ट शुरू मैंने बताया था जैसा आपको, बट अभी मुझे खुद को नहीं पता लग पा रहा कि टाइम निकाल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ना एक्चुअली में क्या है ना यार मेरा मेन जो काम है देखो रोटी जो रोटी मेरी जो है चलती है जो घर परिवार चलता है मेरा वो यूट्यूब से नहीं चलता है, यूट्यूब से मेरी अर्निंग जो सी है वो ना के बराबर है बिल्कुल नहीं है, उल्टा खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, कभी कुछ लेना पड़ जाता है कभी कुछ लेना पड़ जाता है, तो इनकम जो सी है वो यूट्यूब के थ्रू नहीं है, महीने का मुश्किल से मेरे को 4 या 5 हज़ार रुपये के आसपास शायद आता है, वो भी इससे भी कम ही आता होगा यूट्यूब की तरफ से, तो मेन जो काम है वो मेरा बाकी का जो है वही है, तो मेरा फोकस ज़्यादा उस पर रहता है क्योंकि भाई पैसे तो कमाने ही है ना, तो इस चक्कर में मेरे को काफ़ी बारी है जो लाइव कैंसिल करनी पड़ जाती है, काफ़ी बारी मेरे को वीडियोस जो होती है वो बनानी बंद करनी पड़ जाती हैं, कई बार एक एक महीना हो जाता है कि वीडियोस नहीं डल पाती हैं, तो उसका जो रीज़न है वो यही है। हाँ अगर यहाँ से भी अच्छी इनकम आ रही होती तो माइंड जो है इंसान का माइंड प्रॉफिट की तरफ ऑटोमेटिकली जाता है, तो शायद मैं यहाँ पर भी ज़्यादा ध्यान दे देता उस उसके हिसाब से। लूना ब्लॉक्स अमित जी सेकंड हैंड में कोई सिस्टम है? लूना जी सेकंड हैंड के लिए यार आप मेरे फेसबुक पेज पर चले जाओ, वहाँ पर आपको ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हो। त्रिवेदी जी गुरु जी पैनामैक्स का सर्च प्रोटेक्टर इंडिया में क्यों नहीं मिलता? यार इंडिया में भाई बहुत सी चीज़ें जो नहीं मिलती, अगर सर्च प्रोटेक्टर लगाना है ना आपने तो आप बेल्किन का लगा लो, वो सस्ता भी है और सही भी है, मैं खुद पर्सनली मैं खुद भी उसी को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे लगा ही वही हुआ है, मैंने स्ट्रिप आती है इसकी, मैंने तो स्ट्रिप लगा रखी है, आप अलग से अगर लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ये जो उनसे है ये लगा हुआ है, ये बेल्किन का ही है ये, तो मैंने खुद ने ये लगा रखा है, क्योंकि वो दूसरे जो उनसे है ना वो मिलते ही नहीं है यार यहाँ पे कुछ। एक बार वो पावर कंडीशनर मंगवाए थे मैंने दो, वो गलती कर दी बेच दिया उसको, उसके बाद में दोबारा मुझे खुद को ही नहीं मिला कभी यार। माल तो ऐसे डाले वैसे भटूरे तलने वाला हूँ मैं भी, है ना बाजार में भटूरे तल रहे होते हैं वो रखा होता है उन्होंने ऐसे करके ऐसे ऐसे पसीने बोलते हैं ना, वही हाल मेरा हो रहा है, बताओ कौन कहेगा कि ये कोई इंजीनियर है ये बंदा, कोई कह सकता है? ऐसे ही लगता है अभी कढ़ाई आएगी उसमें भटूरे तलूंगा मैं, फिर आवाजें लगा लगा के बेचूंगा। राहुल जी ओके थैंक यू भाई जी, थैंक यू आपका भी सर जुड़ने के लिए भाई। पेप्सी की जगह लस्सी पियो, यार लस्सी तो पियो, लस्सी आए कहाँ से, बीमारी तो ये है ना। ग्रीधर जी प्लीज सजेस्ट 5.1 होम थिएटर अंडर 50K। सर अंडर 50K में नहीं है, आपको थोड़ा सा बजट और बढ़ाना पड़ेगा अपना, अच्छा सेटअप अगर आप लगाना चाहते हैं तो बढ़ा लोगे तो अच्छे रहोगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप मेरे को गालियाँ बंद करना पड़ेगा। और त्रिवेदी जी गुरुजी रूम 22-32 का है जो क्लिप्स 3 अच्छा रहेगा या 8000? यार 8000 मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ पर यार मेरा एक चीज़ और बोलूँ आपको, क्लिप्स से ज़्यादा बेटर ना आप पैरा उसके SVS के पिनिकल ले लो, वो इससे ज़्यादा बेटर है। आप साउंड इंजीनियर हैं ना? अब मेरे को तो खुद को ही पता, मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ यार, भाई हालत देखकर तो नहीं लगता कि मैं हूँ, बट अब वैसे हूँ कि नहीं हूँ आप डिसाइड कर लो अपने आप ही, देखने में तो नहीं लगता, देखने में तो ये लगता है कि अभी भटूरे तलूंगा। सिंप्लिसिटी ही तो आपकी पहचान है, प्रवीर कुमार जी ने बोला है, थैंक यू वेरी मच सर। सर देखो आप अगर पहले से जुड़े हुए हो मुझसे
जिस टाइम चैनल स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम जब 0 सब्सक्राइबर्स थे चैनल पर, उस दिन से लेकर आज तक वीडियोस की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया होगा, वीडियो बनाने का तरीका बदल गया, जो जिन चीज़ों की यूज़ होता है बनाने के लिए उनका तरीका वो चेंज हो गई, ओके। बट जो एटीट्यूड है वो तब से लेकर अभी तक का सेम है, जब 0 थे तब भी, अब 16,000 हैं तब भी, ये 16,000 16 मिलियन भी हो जाएंगे ना अगर, तब भी मेरे अंदर आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगा। SPS का प्राइम या पिनिकल? नहीं, प्राइम में दो मॉडल आते हैं, एक तो प्राइम आता है, एक अल्ट्रा प्राइम जैसा है, एक पिनिकल आता है, पिनिकल जोन से है ना वो ले लो आप, तो जबरदस्त चीज़ है। वैसे तो प्राइम जोन से टावर है, प्राइम टावर वो भी अच्छी है, बट पिनिकल जोन से वो उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर आ जाता है। पवन कुमार जी, अमित जी मुझे म्यूज़िक ज़्यादा सुनना होता है, कौन सा AVR? सर म्यूज़िक के लिए लेना है ना, फिर आप AVR मत लो ना, आप स्टीरियो का सेटअप बनाओ, असली परफॉर्मेंस जो मिलेगी आपको स्टीरियो के अंदर ही मिलेगी गानों के लिए, अगर आपको चाहिए तो वो लो। अगर दोनों चीज़ें का यूज़ आपका है कि आपको मूवीज़ में भी चाहिए अच्छा वो एक इफेक्ट चाहिए अच्छा इफेक्ट, तो AVR लो। अगर मूवीज़ के अंदर नॉर्मली आपको सिर्फ आवाज़ को इन्हेंस करना है या थोड़ा आवाज़ पावरफुल बनानी है तो उसमें तो स्टूडियो एम्पलीफायर भी वो आपका काम करेगा, बट अगर सराउंड साउंड चाहिए तो आप फिर AVR ही लो। राहुल सिंह जी, हाउ टू फिक्स सैटेलाइट स्पीकर्स ऑन सीलिंग? सीलिंग पर सर अगर आपने सैटेलाइट स्पीकर्स को लगाना है तो उसके लिए ब्रैकेट्स आते हैं मार्केट में, अमेजोन पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वो 500-600 रुपये का एक पीस आता है, मतलब अलग अलग रेट के होते हैं, कुछ हल्के होते हैं कुछ भारी होते हैं, तो ऐसा कोई भी आप एक वो ले लीजिए जितने स्पीकर लगाने हैं आपने, तो जो स्पीकर्स होते हैं उनके पीछे एक हॉल दिया गया होता है, उस कॉपर का एक छेद सा बना होता है, चूड़ी होती है, वो आपका उस पर कस जाता है। ब्रैकेट को पहले आप छत पर कनेक्ट लगा दो वहाँ पर, उसके बाद स्पीकर उठाकर उस पर कस दो, उसके बाद उसकी वायरिंग लगा दो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसमें होगा, इसमें दिखा देता हूँ, जैसे कि अच्छा इसमें है ही नहीं है यार, इस वाले स्पीकर में है नहीं है, तो मेरे को स्पीकर कहाँ से लाऊंगा? तो मतलब आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा यार, वो पीछे एक ना छेद दिया होता है उसमें एक वो ब्रैकेट लग जाएगा, तो वो आपका दीवार पर टांग सकते हो उससे। अगर फॉल सीलिंग है आपके ऊपर तो वहां पर फॉल सीलिंग पे नहीं लगेगा वो, कहीं आप फॉल सीलिंग पे लगाने की कोशिश करोगे फॉल सीलिंग जो है वो टूट जाएगी आपकी, बट स्पीकर नहीं लगेगा। अगर ऊपर लेंटर है आपका, मतलब जो नॉर्मल छत ढलती है हमारी वो है, तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर सीलिंग स्पीकर ही लगाओ, वहाँ पर कटिंग हो जाएगी, वो POP वालों को बुलाकर कटिंग करवा लो, तो उसमें सीलिंग स्पीकर लगा दो आपको, अगर POP नहीं है फिर तो आप वो ब्रैकेट यूज़ कर कर उसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो टाइम तो भैया जी हो गया है हमारा भी जाने का, भूख भी लग रही है, कुछ खाया पिया भी नहीं मैंने, तो यार इसको फिर अभी हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे वीडियो को, और फिर से मिलूंगा आपसे अगली किसी वीडियो के अंदर। वीडियोस भी अभी थोड़े टाइम फ्री हो जाऊंगा तो रेगुलर जैसे आती हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं आती बट फिर भी आनी शुरू हो ही जाएंगी, तो उसके बाद में हम करेंगे बातचीत आपसे फिर कभी। तो जी आपके आप वीडियो सर ये त्रिवेदी जी, ये मैं ना खुद एक बनाऊंगा फिर उसकी वीडियो डालूंगा, नॉर्मल सीलिंग फिर तो लगी जाएगा आपका राहुल जी, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अगर हमें होम थिएटर लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? मयूर जी आप इंस्टाग्राम पर प्लीज़ संपर्क कर लीजिए, वहाँ पर मेरी टीम आपसे बात कर लेगी, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मेरे से भी बात हो जाएगी आपकी, तो आप बाकी की जो जानकारी है जो प्रोसेस है वो आपको वहाँ पता लग जाएगा। प्रवीर जी गुड नाइट, गुड नाइट भाई। त्रिवेदी जी सोफे के नीचे, हाँ सर समझ गया मैं, वो डाया भी बनते हैं एक्चुअली, उनको शेकर भी बोला जाता है, बास शेकर भी कहते हैं उनको, तो वो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि बनाऊँ उनको, बट अभी टाइम नहीं मिल पाता तो बनाए नहीं, क्योंकि वैसे कॉस्टली आते हैं यार, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा था खुद बनाने का, तो उनको मैं बनाऊंगा
तो उसके बाद उसी बनाकर ही उसकी वीडियो जो है वो डालूंगा कि किस तरीके से बनाया है उसको और कैसा चल रहा है वो, ये सब कुछ जो है कोशिश करूंगा कि बना सकूँ जल्दी से जल्दी। मयोजी मैसेज का रिप्लाई देगा आप इंस्टा पर? सर बिल्कुल मिलेगा, रिप्लाई तो मिलेगा, लेट हो सकता है रिप्लाई आना मगर मिल तो जाएगा ये आपको। पहले मेरी टीम की तरफ से रिप्लाई आएगा, उसके बाद में अगर उन्होंने कुछ ऐसा उनको लगेगा कि मुझसे पूछना है बात कोई पूछनी है तो मेरे से संपर्क करके मतलब मेरे से वो डिस्कस करके आपको जवाब जो है वो दे देंगे, वो जवाब बिल्कुल पूरा पूरा मिलेगा आपको। उसका मेन प्रॉब्लम कनेक्शन में रहता है यार, कनेक्शन की ही दिक्कत आती है देखो सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास में दो चैनल एक्स्ट्रा हैं कि भाई मान लो मेरा 9 चैनल का एम्पलीफायर है तो मैंने क्या करा कि 7 चैनल का तो सेटअप लगा लिया, 2 चैनल जो उनसे वो मैंने अपने बादशेखर पे दे दिए, तो उसमें ये हो जाता है कि फिर कॉस्ट का फर्क आ गया क्योंकि 9 चैनल का एम्पलीफायर हमें लेना पड़ेगा। बट वहाँ पर मैं क्या सोच रहा था कि स्विचर आते हैं हमारे जो स्पीकर प्रोटेक्टर होते हैं स्विचिंग के साथ में आते हैं, तो उनका यूज़ किया जाए कि जो फ्रंट वाले स्पीकर हैं हमारे उनमें स्विचर लगा दिया जाए और उस स्विचर से ये वाले स्पीकर भी हमारे चल जाएं और जो हमारा बास रेडिएटर है उसका कनेक्शन भी वहाँ चला जाए, तो उसकी जो इम्पीडेंस है वो हमें सेम करनी पड़ेगी किसी तरीके से कि एक स्पीकर जो हमारा फ्रंट में लगा हुआ है वो 8 ओम का है अगर, तो बास शेकर को लगाने के बाद में भी वो 8 ओम रहे, तो इस चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो कैसे होगा, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह का यूज़ करके काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा उसके अंदर, तब वो जाकर हमारे लायक बनेगी चीज़ की, हाँ उसको हम चला सकते हैं। तो चलो यार अभी यहीं पर ही समाप्त करेंगे, और एक मैसेज और है तो वो भी मैं पढ़ ही लेता हूँ। गुड नाइट, एवरी सैटरडे लाइव आया करो, ऑल द बेस्ट हो चैनल टू रीच 1 मिलियन एंड मोर। थैंक यू राहुल जी, बिल्कुल कोशिश यही रहती है कि आऊँ, बट बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नहीं आ पाती हैं, तो कोशिश करूँगा कि हर बार ही आऊँ। तो चलो यार इसको करते हैं समाप्त, यहाँ पर भूख लग रही है बहुत तेज़, तो मैं भी खाना वाना खाता हूँ जाकर, आप भी आप सोइए खाइए पिए जाइए। और सैटरडे को तो हम लाइव आते हैं यहाँ पर, तो मैं ये सोच रहा था कि संडे को भी इंस्टाग्राम पर भी लाइव का रखा जाए, तो मे भी वो भी शायद ठीक रहे, बट मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं लाइव वगैरह, और पता नहीं कोई आता भी है वहाँ पे मेरे सुनने के लिए मुझे कि नहीं आएगा, ये भी चक्कर है। तो कोशिश करेंगे, कल मैं कोशिश करूँगा शाम को कि इंस्टा पर लाइव होकर देखता हूँ एक बार। तो आपने इंस्टा पर अगर फॉलो नहीं किया होगा तो यार वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, और वैसे भी कर लीजिएगा क्योंकि वो गिव अवे वगैरह जो आने हैं उसकी जानकारी भी मिलेगी आपको वहाँ पर। तो चलो इसको तो करते हैं यहीं पर समाप्त, फिर मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के अंदर या अगली लाइव के अंदर, और अभी के लिए अलविदा चाहूँगा आपसे, और जाते जाते हमेशा की तरह सिर्फ एक ही बात आपसे मैं कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे, बाकी भटूरे खा के जाना, चलो जय हिंद।